புதுபுத்தன் காலம் புதுபுத்தன் லோகம் ஜெனரேஷன் தோறும் மாறும் புதுலோகம் இது புத்தன் காலம் புதுபுத்தன் லோகம் ஜெனரேஷன் தோறும் மாறும் புதுலோகம் ஈலோகத்தில் തിരക്കേറിയോടുമ്പോഴും തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കുമ്പോഴും ചിരിക്കാൻ മറക്കല്ലേ നീ ഈ ലോകത്തിൽ മറക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോഴും സഹിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോഴും ചിരിക്കാൻ മറക്കല്ലേ നീ1984 में जॉर्ज डेविड और ट्रीजा के घर पैदा हुआ। 99 में जॉर्ज ने SSLC फर्स्ट क्लास से पास किया। अब 2000 में मैं सच में मैरी से बहुत प्यार करता हूं। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं मैरी को पहली बार चर्च में देख रहा हूं। मैं मैरी को पहली बार चर्च में देख रहा हूं। जब तुम उस दिन बाइबल पढ़ रही थी और तुमने चूड़ीदार पहना था, तुम बहुत कमाल लग रही थी। इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने क्या कहा? रेड लाइक ऑरेंज। ऑरेंज नहीं, ये गलत होगा। मैं कुछ नया लिखूंगा। क्या वो ब्लू चूड़ीदार नहीं पहन सकती थी? 10 अगस्त 2000 अलुवा। टू माई बिलव्ड मैरी। मैं मैरी को पहली बार चर्च में देख रहा हूँ। मैरी, चर्च में बाइबल रीडिंग वाले दिन तुमने जो चूड़ीदार पहना वो बहुत प्यारा था। मैरी, क्या लग रही थी तुम। हर तरह की मच्छी है, कौन सी चाहिए ये बताओ। बेटा, तुमको कौन सी चाहिए? कौन सी मछली चाहिए? क्या तुमको पता नहीं मुझे सार्डिन पसंद है? बार बार क्या पूछना, उससे पूरे घर में स्मेल आएगी। कोई बात नहीं, पतली वाली ले लो। ऑयली सार्डिन खरीद लो फिर। हाँ मम्मी, हड्डियों से भरपूर वाली। अरे कुछ भी दीदी, इसमें ज्यादा काटे वाटे नहीं है। 1 किलो दे दो, फ्राई करके खाना, मजा आएगा। तो मुझे 4 पीस दे दो, बिल्कुल करारी। और अंजू के लिए? कोई जरूरत नहीं। नो प्रॉब्लम, अगर वो सार्डिन नहीं खाती। ए विनोद, शंभू कोई को 2 कप कॉफी दो। ड्यूट में बैंगलोर जा रहा हूँ पढ़ाई के लिए। जवाद कहता है बहुत शानदार जगह है। जवाद कौन है? मेरा अंकल का लड़का। किस अंकल का? बनाना मर्चेंट मार्केट में। बनाना नहीं, तुम्हारा नाम कोया रखा था। हाँ, उसी ने। 7 बनाना फ्राई, 1 चाय। कितनी चाय? ड्यूट लो, मैरी आ गई। कहाँ? भैया एक पार्ले जी देना। हाँ, और कुछ चाहिए? और एक दूध का पैकेट भी। लगता है घर का सामान लेके निकलने के जल्दी में। जाओ चेक करो क्या वो आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा हमें ज्यादा प्यार करता है या उसे। अनपंक्चुअल क्रिश्चियन। क्या वो आ रहा है? शो ऑफ करके बेमतलब में दांत मत निकालो। ब्रदर एक मिनट, हाँ बस एक मिनट। एक्चुअली मैंने भी यही कहा। मैंने भी। अरे बाप रे, पता नहीं ये सब क्यों बना बना के रख देते हैं। ओह, एक सिगरेट। हाँ ये लो। विनोद तुम क्या कहना चाह रहे हो? अगर तुमने ग्लास तोड़ा तो कितना हुआ भैया? हाँ 13 रुपए। तो फिर ये लो। मेरी नाक जल गई होती। अब निकलेगी बस में मैं तुम्हें मार डालूंगा। कैट लास्ट फ्लॉट। जानता खाली बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? बेवकूफ में किताब नहीं चाहिए। ओ बैग में इंटेलिजेंस भरी है। वो गया कहाँ? ठीक है भैया। ए स्वीटी। दीदी काला ऋतिक रोशन। एग्जैक्टली। ना स्वीटी कहीं स्कूल में पढ़ाई करने है? भग जा बंदर कहीं के। तुम इधर आओ। स्वीट चाइल्ड राइट। कुटापी क्या? बाहर आओ। ब्रदर दुकान के आसपास फ्लड बहुत बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन मैं सबको भगा दूंगा और मैं रह जाऊंगा अकेला। हाँ मतलब क्या हो रहा भाई? कम ऑन फास्ट। एक बनाना ब्रो खाता में लिख देना इसके। कलकोजी तुम लड़क जाओ। क्या आराम चलो। ए मजनू तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बच्चों से मार नहीं खाना चाहता। कम ऑन पीछे बैठो। ए नीचे तरफ साइकिल को धक्का दो। आज बुली डेफिनेटली कलकोजी के सारे पर को उतर डालेगा। क्या वो गई? हाँ वो गई। ओ गॉड मैं एक चिट्ठी लिख रहा था। मुझे उड़ा दी। कैसा लग रहा हूँ? awesome यार। अभी निकली। कम उसी तरफ चलते। साइकिल तो लाओ। गो फास्ट गो फास्ट। सेलिन धीरे चलना। मैरी क्या मैं होमवर्क में मदद करने तुम्हारे घर आऊँ? पिताजी अब कल ही आएंगे तो तुम कल ही आ जाना। अगर तुम्हारा डैड नहीं होंगे तो मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाऊंगा ना। नहीं इसकी जरूरत नहीं है। व्हाइट शर्ट जगह दो। हटो वहाँ से। गेट लॉस्ट। मैरी अगर कुछ हो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। उनकी मत सुनो मैरी, वो सब बेवकूफ है। ब्रेक लगा यार। तो सुना नहीं जल्दी तेली फेंक देनी चाहिए। इसका क्या लेना देना? कुछ खास नहीं यार। जस्ट पुश। मत जाओ मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। बी डिसेंट देखो दीदी उस दिन जो चर्च में देखा था वो लड़का। मेरे पीछे मत देखना। देखा उसे? डूडू ये पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव। പുഴയുടെ തീരത്ത് ആരോരുമില്ല നേരത്ത് തന്നനം തെന്നി തെന്നി തേടി വന്നൊരു മാർഗഴിക്കാറ്റ് നേരത്ത് തന്നനം തെന്നി തെന്നി തേടി വന്നൊരു മാർഗഴിക്കാറ്റ് ചെങ്കരയിൽ കേറിയൊളിച്ചവളെ പതിവായി പലവട്ടം മനസ്സിൽ ചൂളമടിച്ചവളെ പറയാതെ പള്ളിയിൽ വെച്ചെങ്കരയിൽ കേറിയൊളിച്ചവളെ പതിവായി പലവട്ടം മനസ്സിൽ ചൂളമടിച്ചവളെ ആദ്യമായുള്ളിനുള്ളിൽ പൂത്ത പൂവല്ലേ സമ്മതം തന്നാൽ നിന്നെ താലികെട്ടി। सब क्या है? प्यार जताने का कोई मंत्र नहीं होता, प्यार जताने के लिए ये पूरा जीवन कम है। वो प्रेम जो विपदा में बचाता है। आलुवा पुड़े तीरस्त आरोर मिला नेरस्त तन्ननम तेन्नी तेन्नी तेड़ी वन्नोरु मार्गड़ी काट। പൂമരക്കൊമ്പിൻ ചാരത്ത് പൂമണം വീശും നേരത്ത് തന്നനം തെന്നി തെന്നി തേടി വന്നൊരു വൈകിളിക്കാറ്റ്। फूल कहाँ? പറയാതെ പള്ളിയിൽ വെച്ചൻ കരളിൽ കേറിയൊളിച്ചവളെ, പതിവായി പല പല വട്ടം മനസ്സിൽ ചൂളമടിച്ചവളെ, പറയാതെ പള്ളിയിൽ വെച്ചൻ കരളിൽ കേറിയൊളിച്ചവളെ, പതിവായി പല പല വട്ടം മനസ്സിൽ ചൂളമടിച്ചവളെ, ആദ്യമായുള്ളിനുള്ളിൽ പൂത്ത പൂവല്ലേ, സമ്മതം തന്നാൽ നിന്നെ താലി കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയില്ലേ, ആലുവാ പുഴയുടെ തീരത്ത് ആരോരുമില്ലാ നേരത്ത് തന്നനം തെന്നി തെന്നി തേടി വന്നൊരു മാർഗഴിക്കാറ്റ്। इस मोड़ी वाल से घर है, जाओ उसका ये लेटर देना बिंदास। ये एक सिंपल सी बात है। ये कैसी आवाज थी? लगता कोई भागता हुआ आ रहा है। वो क्यों दौड़ रहा है? कोई कुत्ता उसके पीछे? कुत्ता को लोगों के पीछे? Get away, Dad! Dad! थामो यार से बचो। वो गिर पड़ा, कोला को से गिर पड़ा। ए भाई 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 मूव ऐसे मूव साइकिल पर तेज तेज से पहुंचो, निकलो। भाग में जाता लेटर। I swear पैसा भगवान से कोलाकाजी को पकड़ लिया है। तेज चलाओ यार, मुझे कसके पकड़ो, तो भी ना छोड़ू। शाम्बू अगली डिस्ट्रिक्ट पहुंच गया होगा। कमक तेरा खाता तेरा प्यार, लगता कोलाकाजी नदी में गिर गया। जल्दी चला वरना हमको भी नदी में फेंक देगा। मूव अवे मूव। लगता तुम्हारा दोस्त उतर गया कोलाकाजी, लगता वो चला गया यार। पंक्चर हो गया क्या? हेलो कोया, कहाँ हो? माम फोन रखो। कौन है? मैं जॉर्ज। ओ तुम बताओ मुझे। उसके घर कॉल करना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? तो कितनी जल्दी भूल गया ना कि शंभू साइकिल से कैसे फिसल गया था, और वो बंदा जो इसका पीछा कर रहा था मार मार कर, तूने देखा नहीं? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? क्योंकि मैं तुझसे प्यार नहीं करता इसलिए। सच में यार मैं उससे डरता हूँ। मैं तुमको एक और बात बताता हूँ। क्या? तुमने लेटर में ये क्या बकवास लिखी है? बेरेस एडरान फ्राइड की तरह दिखती है, मतलब। ओ नो, क्या मैंने ऐसा लिखा? हाँ तुमने ऐसा लिखा है। ओह यार, उस वक्त मेरे घर पे एक मछली बेचने वाली आई थी यार, ये उसी वजह से है। तो ये लिखो कि मछली जैसा लुक्स है। हाँ मतलब वो तुम्हारी बैकबोन है। अच्छा ये ग्रीक माइथोलॉजी क्या है? हाँ, इस सवाल की मुझे उससे उम्मीद थी। जब मैं उसे खत दूंगा तो वो मुझसे पूछेगी ग्रीक माइथोलॉजी आखिर है क्या, और मैं उसे तफसील से बताऊंगा ग्रीक माइथोलॉजी। अगर तुम उसके हाथ लग गए पक्का खून खराबा कर देगा यार। क्या? एक बात बता, अगर मैं उसको हिंदी में खत लिखूं तो क्या ये जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल। और उसे कॉल करने के लिए तुमसे भी पूछना चाहिए ना। ओके भाई, गुड नाइट। शंभू। हेलो हेलो, शंभू है? कौन? अंकल मैं जॉर्ज। ओ जॉर्ज, एक मिनट। शंभू, माल कॉल है, जॉर्ज लाइन पर। हाँ आया कॉल, वो भी इस टाइम। अरे मैं जॉर्ज। yes, मैंने अभी कोया से बात की। मैरी से बात करने के लिए उसने कहा तुम्हारी राय लूं। व्हाट अ लवली आइडिया है। तो क्या मैं उसे कॉल करूं? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम दोनों खामोश हो जाओ। लैब रिजल्ट कोई गड़बड़ है क्या? और नहीं तो मैं। तू भागता है कि नहीं? सब ठीक हो जाएगा जैसा तय हुआ था। कल मिलते हैं, ओके? चाहता क्या है? रुक 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 शंभू, रुक। पापा भैया के पास गंदी किताब है। ये एक फिल्म मैगज़ीन है। हाँ पता है। ओयू, क्या उसके घर कॉलर आईडी नहीं है? ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मच्छर ने काटा। मच्छर के काटने से इतनी सूजन? मच्छर ने काटा, मैंने मारा तो सूज गया। मच्छर। नीचे तो फ्लर्ट्स बहुत बढ़ रहे हैं। क्या वो मेरा कॉल पिक करेगी? शायद कर ले, कोई तो पिक करेगा। कल रात जब मैं मैगजीन पढ़ने वाला था, मेरे शैतान भाई ने देख लिया और शिकायत कर दी। डैड ने पूछा बट वो कूल है। हेलो हेलो, कौन? मैरी है क्या? हाँ है। आप कौन? मैं जॉर्ज। जॉर्ज? कौन से जॉर्ज? जॉर्ज हमारे यहाँ कॉलर आईडी है। तुम कौन हो? गॉड, मैं ट्यूशन में उसके साथ हूँ। जॉर्ज डेविडसन। डेविडसन? डेविडसन नहीं, मैं डेविड कलापरम्बतु का बेटा हूँ। डेविड कलापरम्बतु। डेविड कलापरम्बतु। ओ, तुम विदेश में थे है ना? हाँ यस। कैसे हो तुम? मुझे डाउट्स हैं। किस सब्जेक्ट में? कैसा डाउट? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में डाउट? हाँ हाँ। कैसा डाउट मुझे बताओ, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। यार वो डाउट के बारे में पूछ रहा है। फिजिक्स बोलो। फिजिक्स? केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स। मेरी। हाँ? वो ना तुम्हारे लिए। हाँ मेरी आ रही है। That's great. हेलो हेलो मैरी। हाँ कौन बोल रहा है? मैं जॉर्ज। जॉर्ज? कौन सा जॉर्ज? जॉर्ज। मैरी जब तुम क्लास से निकली तो अपने पीछे आते 3 लड़कों को जरूर देखा होगा। उनमें से सबसे हैंडसम लड़का मैं हूँ, जॉर्ज। शायद मुझे ये नहीं बताना था। रिसीवर को कवर कर लो, उसको मतलब मैं भी लैब रसूं। हेलो, क्या मैं तुम्हें एक्यूडक्ट ब्रिज में मिल सकता हूँ? नहीं कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? ऐसा लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत ही नहीं, इसका मतलब? हाँ भाई, मतलब जरूरी नहीं है। शायद वो ना आए ना मिले। मैंने भी यही कहा। राइट, anyway, मैं कल नहीं जा रहा हूँ, तुम जाओ। दूध, एक आइडिया है। क्या? देखो उसके बाप का नाम जॉर्ज है, मेरा भी नाम जॉर्ज है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सरनेम बदलने की जरूरत है ही नहीं। जबरदस्त आइडिया, मगर तुम्हें उसे ये खुद बताना चाहिए। बताऊंगा। मुझे किस बात का डर है? बोल ही कहूंगा। जल्दी कहो, उससे पहले कि उसके डैड आ जाए। शंभू सामने जरा रखो, मैं बैक साइड ख्याल रखूंगा। ये येलो शर्ट में कौन है? दीदी ये भैया फैंसी ड्रेस से आए क्या? रासल खाई में वो बड़ा घर। ओके, अब ये कौन है? बिजनेस को सबसे जरूरी मानते हैं पापा, और नाइट पार्टी और डांस सब कुछ है मॉम के लिए। मेरे दोस्त सरब के दोस्त थे, शारजा बोर्डिंग स्कूल में थे। तुम्हारे कोई बहन नहीं है? नहीं, वो प्रिंस उस बड़े से घर में अकेला रहता है। कौन सा राजकुमार ब्रो? यू शट अप बॉय। क्या कहा इसने? प्लीज ब्रो जाने दो, देखो तुम्हारे पीछे सचिन तेंदुलकर है। ए लपोंगे क्या तुम हो गिरिरंजन? जो जो क्या ये तुम्हारा असली बिजनेस है? तुम कहाँ से अवतरित हुए शैतान? क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, क्रिकेट खेलो, जाओ जाके छक्का मारो। ए जॉर्ज, मेरा टूर्नामेंट है सेंट मैरिज में, मैं चलता हूँ। बैट कहा था? हाँ, जब मैं शारजा स्टेडियम में क्रिकेट खेलता था तब मेरे अरब फ्रेंड्स मुझसे पूछते थे और मैं चौंक जाता। हाँ, बिना प्यार के मैं इंतजार ही करता रहता, इसी वजह से भागना शुरू किया। भागो, एट लास्ट खोज गया तुम्हें चैन से। ओह सॉरी, आई लव यू। गोया जल्दी आओ, मुझे बताना जब तुम भागने लगो। तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम कौन हो? हू आर यू मैन? एग्जैक्टली, मेरा मतलब यही था कि आखिर तुम हो कौन घुमाकर लोग हैं जो यहाँ से भाग रहे हैं? कौन हो तुम? चश्मा क्यों उतारा, क्यों किया ऐसा? कौन हो तुम? कौन हो? मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तुम कौन हो पूछने वाले? क्या तुम्हें मेरी बेटी मिली क्रिकेट खेलने के लिए? इसने मुझे मारा। एक बात समझ में आ गई आज, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। क्यों? जैसे बुलडॉग आया तुम सब छोड़कर मुझे भागे। क्या हम ये भी कहते? क्या तुम्हें खुद दिमाग नहीं है कि भाग लेते? अरे मैंने उन्हें देखा ही नहीं यार। नोटिस करो। क्या दुर्भाग्य है, पहले जब मैं लेटर लेके पहुंचा तो कोला कोजी वाला बंदा वहाँ था, और आज वो पीली शर्ट वाला अरेबिक बंदा। कौन है वो? वो कौन है? खुशकिस्मती से वो वही था, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो वहाँ नहीं होता तो हमारी बुरी तरह पिटाई होती। अबे चल। फिर भी एक बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्या है कि यह लड़का उसके पीछे पड़ा है। ऐसा मत कहो। ए, वो सुंदर है। सच में? उसके बाल गम छत्ते की तरह है। वो सुंदर है यार। एक आइडिया है, क्यों ना हम उसके घर के अखबार वाले को पटा लें और अखबार के बीच में इस कार्ड को रख देते हैं, एक लेटर और गुलाब का फूल गमला में रख दो। और अगर मैं उस बुलडॉग के हाथ लग गया तो? ओह आई सी। अरे यार तो क्या करूं? दो तुम प्लीज थोड़ा धीरे बोलो, माँ के सिवा सब है यहाँ। ये घटिया आइडिया मत बताओ, कोई बढ़िया सा आइडिया सुझाओ। वो किससे ये सब कह सकता है? उसके पास हम हैं। ठीक है, एक पफ दो। सोच रहा हूँ। हाँ, एक आइडिया है। रुको, आ रहा हूँ। चल। शिबू, ये बेंच किसने रख दी यहाँ? तुम लोग किस फिराक में हो? तुम लोग उस दुकान में हुड़दंग करने वाले हो। तुमने उन्हें अंदर आने दिया, तो तुम उनको बाहर निकालो। बस बहुत हुआ, अब जा चाय बनाओ। बाय बाय। हाँ, उसको तो सब कुछ मिला है लगता है। तुम्हारे डैड ने मेरी आँख सुझा दी। मैरी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। किस बारे में? नहीं, मैं मैरी को ही बताऊंगा। मैरी, तुम खुद क्यों नहीं पूछते? मैं मदद करूंगा। अरे वो 12वीं में आपने मदद खुद कर सकती है। मैं तुमको बताना चाहता हूँ। लगता है टायर में हवा कम है। डोंट वरी, हम रास्ते में इंतजाम कर लेंगे। मैरी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो ना। मेरे घर चलते, हमें होमवर्क करना होगा। रास्ता दो से साइकिल लेने दो। सड़क बहुत सकरी है, मदद करूँ? सॉरी डा, मैं मदद कर सकता हूँ। तू अपनी साइकिल लेना। मैरी, उसने मुझसे कहा था कि उसके सामने ही बात करना। खुद को क्या समझता है? ऐसा धक्का मारूंगा ना। तुमने कहा था उसका बाप घर पे नहीं है। मैंने कब कहा? गेट किसने बंद किया? मैंने नहीं, शंभू ने। इससे पहले कि उसका बाप देखे साइकिल उठाओ तो भागो। सड़क छाप कहीं का बहुत आतिशबाजी हो रही है। भारत की नंबर 1 सट्टा खेलने वाली कंपनी, बहुत सारे प्रकार के अलग अलग खेल, आसानी से इस्तेमाल होने वाली मोबाइल ऐप, बहुत ही आसान और तेजी से पैसा जमा और निकालने के तरीके, सबसे ज्यादा भाव देने वाली कंपनी, 100% सुरक्षित और ढेर सारे इनाम। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्तेमाल करें प्रोमो कोड फिल्म और पाएं 10,000 रुपीज तक का बोनस। कड़ी मेहनत करें और आज ही मेलबेट के साथ बड़ी जीत हासिल करें। अरे रुको, मेरी काबों में तू मेरी। ए चंबू, क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं, तुम खेलते रहो। अगर जवानी में तुम्हारी शादी हो जाती, तुम अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते। इसमें शादी? क्या तुमने इस साल में शादी कर ली थी क्या? ब्रो 3 गिलास ठंडा प्लीज। सोडा है ठंडा पानी? सादा पानी। यार कोई रास्ता नहीं दिख रहा, सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, चर्च जाओ। चर्च? मेरे पास कोई काम नहीं है क्या? मैं मैसेज में कम ही जाता हूं। होली मास नहीं, मेरी रोज चर्च नहीं जाती, चर्च में ही प्रपोज करो। तुमने वही पहली बार देखा था ना। बढ़िया आइडिया। थोड़ी खसखस है ना? हाँ ठीक है। अब ये खसखस किस लिए? खसखस तुम्हें ठंडा रखेगी। चर्च और वो सब अच्छा आइडिया है, लेकिन अकेले मत जाना। मतलब मैं? चलो शंभू, मेरा मतलब है मुझे भी खसखस चाहिए, पर मैं अकेला नहीं जाऊंगा। पर मैं अकेला नहीं जाऊंगा यार। देखो यानी एक मासूम पढ़ाकू बच्चे की तरह जाना, तभी काम बनेगा। विनोद, खसखस खत्म हो गया है। अगर मैं अंग्रेजी में लेटर लिख के ले जाऊं तो? नहीं। ये लो जॉर्ज, मुझे भी खसखस चाहिए। तुम्हें भी? चर्च सही नहीं रहेगा, उसके पेरेंट्स भी वहां होंगे। नहीं चर्च बिल्कुल नहीं, और नहीं खानी। डूड, मेरे पास एक सुपर आइडिया है। ब्रिज पे जाऊं, पापा होते हैं। चर्च में जाऊं, पापा होते हैं। फोन लगाऊं, पापा होते हैं। हर जगह तो उसके पापा होते हैं। डूड, एक आइडिया। क्यों ना घर में बैठकर प्लान करें? क्यों ना हम उसके घर 1 किलो का केक लेके जाएं। क्या कोका कोला इससे बनती है? ए, सच है, कोका कोला इससे बनती है। मैं भी इसके जूस से। डूड, इधर देखो। ले, ये सही रहेगा। मैंने देखा जब पिटोगे तुम। रिवाइंड करो प्लीज, मैंने नहीं देखा। अब देखो इसे। ओह गॉड, ऊपर घंटी बज रही है। मुझे कैसे पैरेलल मिल गई, मैंने पूरा नहीं देखा। तुमने कहा था तुम्हारे पिताजी नहीं आएंगे। क्या मुझे घुटनों के बल बैठकर उसको आई लव यू कहना? तुम्हारे पैरों घुटनों में परेशानी होगी। हाँ। क्या मैं कोई और आइडिया दूं? किसी मूवी का डायलॉग बोलूं तो? ओके कैरी ऑन। हम एक गाँव में जाएंगे और वहीं बस जाएंगे, बस वहाँ। ओ ये नमक्कू परकन मूवी का डायलॉग है। ओ सॉरी, सही कहा। हम एक गांव में जाएंगे और वहीं बस जाएंगे, बस वहीं अंगूर की एक बेल फूटेगी। नहीं बिल्कुल नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं। डूड, आसानी से बताओ, आसान तरह से। ओके, मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूँ। मैरी, आई लव यू, समझे तुम? और वो कहेगी मैं भी तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। क्या ऐसा ही रहेगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, सिंपली बोलो। हाँ यार, बिल्कुल सिंपल ही बोलूंगा। मैरी, आई लव यू। सोचो और बोलो, मैं दिल की गहराइयों से ये बात बता रहा हूँ। बचत तक काफी है, क्या तक काफी नहीं रहेगा? वो आ रही है। जॉर्ज? हाँ जॉर्ज। वो भी जॉर्ज है। आई, क्या ये भी जॉर्ज है? हाँ। तुम क्या करते हो? प्री डिग्री की पढ़ाई, होली स्पिरिट। ओके, मैं SBU में हूँ। ओह, बैंक में हो? नहीं नहीं, स्कूल। ओह स्कूल, ओके। दरअसल मैं तुमसे मिलने का वेट कर रही थी। रियली? हाँ, उस दिन घर पर कॉल किया था ना तुमने। लगता है पापा तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। और घर पर कॉलर आईडी भी है, तो ये एर्नाकुलम से कॉल नहीं कर पाएगा। तो क्या तुम में से कोई मदद करेगा अपने यहाँ से कॉल कराने में, प्लीज? ओह नो, मेरे घर के आसपास भीड़ रहती है, ये मुमकिन नहीं लगता। बेहतर होगा हम कोई और ऑप्शन चुन लें। जॉर्ज? इट्स ओके, डजंट मैटर। फिर आऊं? आई हैव नो प्रॉब्लम। सच में? नहीं, अगर कोई दिक्कत हो तो। नॉट एट ऑल। थैंक यू सो मच जॉर्ज। मैं मेरे को हमेशा कहता हूँ, उसके फादर का नाम भी जॉर्ज और मेरा नाम भी जॉर्ज है, शादी के बाद सने बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। अच्छा, फिर मैं निकलूं? बाय। क्यों मान गए? किसने कहा था तुम्हें मानने के लिए? यू लूजर। संभाल कर रखो इसे। ये उसे देना, जैसे तुम्हें ठीक लगे। वो आ रहे हो? आओ, आना चाहो तो। कालम गेट बॉय, कोलम गेट बॉय, भाग्य रेगा देन्य मान्य बॉय। कालम गेट बॉय, कोलम गेट പോയി ഭാഗ്യരേഖ തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോയി കാല് വെച്ച ഭൂമിയും കുഴിഞ്ഞു താണുപോയി കണ്ടു നിന്നതൊക്കെ ഇന്നുമല്ലേ മാഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോയി വിരിഞ്ഞ പൂമരം കൊഴിഞ്ഞു വീണുപോയി എടുത്തു വെച്ചതൊക്കെ ഇന്ന് താഴെ വീണുപോയി കാലം കെട്ടുപോയി കോലം കെട്ടുപോയി ഭാഗ്യരേഖ തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോയി കാലം കെട്ടുപോയി കോലം കെട്ടുപോയി ഭാഗ്യരേഖ തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോയി നാമം ദേട്ടോ കനവായി ഞാൻ നാള് നീള കണ്ടതൊക്കെ നീനവായപ്പോ താഴെ വീണുടഞ്ഞു പോയി ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ പൂത്തു നിന്നതൊക്കെ ആരാരോ കൊണ്ടുപോയേ കാണാൻ കൊതിയേറി നിന്ന കാലമൊക്കെ കൺമുന്നിൽ തീ പിടിച്ചെറിഞ്ഞു പോയേ കാത്തു വച്ചതൊക്കെ കാലമാവും മുന്നേ ആരാരോ കൊണ്ടുപോയേ ഓ നോക്കി നോക്കി വച്ച മാമ്പഴം പറിച്ചെടുത്ത് മെല്ലെ ഇന്ന് കൊണ്ടുപോ परेशान हो गए। मत रहो ब्राइन बैंगो। दोस्त वो भूल जाओ और लगाओ। इनफ हार्ड है मैन। टचिंग सब होता है। മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചതൊക്കെ മരിച്ചുപോയി മണ്ണടിഞ്ഞു പോയി ദൈവമേ ए, रात है, चश्मा उतारो यू फूल। ए सिबू, चलो घर चलते हैं। चल चल, धीरज रखो, जैसे धरती पर कोई और लड़की नहीं मिलेगी। ए जॉर्ज ड्यूड, उसके डैड के आने से पहले भाग जाना। ये भगवान, वो वहां वापस क्यों जा रहा है? जब मैंने 10th ग्रेड पास किया, घर पर चश्मे का माहौल था। अब ऐसा लगता है कि माता माला घर है। क्या फेल होना इतनी बड़ी दिक्कत है? मुझे अब रियलाइज हुआ। सब बंदों ने एग्जाम पास कर लिए, हमारे सिवा। क्या लगता है हम कहाँ फेल हुए? हमें थोड़ा पढ़ना चाहिए था। भैंसों की तरह पले बड़े किसी ने हमारी सुताई नहीं की। शर्मनाक। अब यहाँ से हमें खुद को बदलना होगा। अफसोसजनक। इस तरह से चलना सही नहीं है। आजाद, मुझे मस्जिद जाना होगा, रास्ता दो। मैं भी निकलता हूँ, जल्दी घर पहुँचना है।2005, जिस साल राज मनिक की मूवी रिलीज हुई। ുവക്കാണ് പരിചയക്കാണ് മുഷ്ടിച്ചു വിരട്ടെന്ന് ആഗ്രഹിയാക്കാണ് നാടി ഞരമ്പ് വലിയ മുറുകാണ് പേശികളാകെ ഉരുണ്ടുകയറാണ് തങ്ങിനകത്ത് താളമടിക്കണ്ട് തങ്ങിന മേളമടിക്കണ്ട് को दिक्कत होगी। प्रॉब्लम, उसने वादा किया था डांस करने का और आखिरकार जब एक लड़की ने बुलाया तो वो चला गया। ये भाई है, भाई है। முருகன பேசிகளாக உருண்டுகையறான தங்கி நகத்து தாள मेलम टिकन सखिता सखिता मेलम टिकन अयम कालम बर बर चल फट फट चल टूटी टूटी चल तेरे तेरे कशा वाला बेल चपाट को रानी चुरानो रब में इसके लिए तुम चिके थे बिग डील। अब किस्सा खत्म है। यहां भी तो मार गए। चाहते क्या हो तुम? चाटा मारो ड्यूड, करो जो मैं कहूं। फटाफट से पहले कोई जोकर ही नहीं मिला था। तो जाओ आने देख लो। चुप कर। जॉर्ज का है वो आ गया। आने के बाद अच्छे लग रहे हो। ए स्टूपिड, उसे तोड़ो मत देना। गेट अप गाइस, कॉलेज चलते हैं। न्यू कॉमर्स आ रहे हैं आज, चलो उनकी रैगिंग करते हैं। लेट्स गो। ये खेल जल्दी समाप्त हो जाएगा। बच्चों की तरह कार्ड खेल रहे हो या तुम भी जाओगे? हाँ। शंभू सिगरेट देकर जाना यार। सिंधु बिंदु वाओ, ये है बोल्टन। सुबह तो था सब। तुम लोगों ने कहीं देखा क्या? लोगो बेंच का सिंबल पड़ा होगा यही कहीं। जॉर्ज तुमने कार का सिंबल देखा? थैंक गॉड कि तुमने अपनी कार नहीं खोई। एट लास्ट ये बोल्ट। तुम्हारा नाम क्या है? जनाब जनाब तुम डरोगे क्यों? अपने हाथ नीचे करो। Come here. नाम क्या है तुम्हारा? वर्षा। तुम्हारा? शिल्पा। कौन सा कोर्स? बीकॉम। है? बीकॉम। नाच के दिखाओ। नाचना। शंभू गाना गाओ। चुंडत चट्टीपू चंड विरिन्यू पल्ला। हम गरीब घर से हैं। क्या गरीब लोग नाचते नहीं? हम भी गरीब हैं, खूब डांस किया। और कुछ करें तो? और कुछ? कहा जा रहे हो? चश्मा है? क्यों बे, तुम सुबह सुबह नहाते क्यों नहीं? मैं नहाया था। क्या तुम नहीं नाचोगे? ऑफ कोर्स। गुड शंभू, गाना गाओ। अपड़ी पोड़े 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 असद पोड़े कन्नाल अपड़ी पोड़े पोड़े पोड़े। सी ऐसे डांस करना चाहिए तुमको। नाम क्या है तुम्हारा? मूसा। कौन सा कोर्स? बीएससी कंप्यूटर साइंस। ओह, हमारा डिपार्टमेंट। बढ़िया। बाय ब्रदर। अरे साड़ी जाओ। ना ना। व्हाट इज दिस? सुबह सुबह साड़ी। नाम क्या है तुम्हारा? मलर। मालर मतलब मेरा नाम। तुम्हारा? तमिल। फैंटास्टिक। जॉर्ज डेविड। क्या पढ़ती हो यहाँ? मैं पढ़ती नहीं, पढ़ाती हूँ। मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ। बाजू वाले तुम बताओ, कौन सा कोर्स कर रहे हो? हम भी यही सोच रहे हैं। बीएससी फाइनल। बीएससी कंप्यूटर साइंस। तुम्हारा नाम? गोया। गोया। टीचर से शिकायत मत करना। नहीं करूँगी। शंभू। ओह नाइस। हम जाएं टीचर? प्लीज हमें इन डर्टी लोगों से बचाइए, ये हमारी रैगिंग कर रहे हैं। What a pathetic English is this? ये सब अपने बीच ही रहेगा। लेकिन जब तुम अकेले बाहर निकलोगे रात में या सड़क पर अकेले, तुमको हिम्मत वाला बनना होगा, है ना? और इसीलिए रैगिंग वगैरह ठीक है ना? ठीक है, मैं निकलती हूँ, क्लास में मिलते हैं। वो टीचर थी। मुझे माल दे। ये क्या है? स्पिरिट। सुपर। मान को देखना, कॉलेज के बाहर आओ, बाहर आओ कॉलेज के। Dude, ये क्या है जॉर्ज? Don't you know ये शरबत नहीं है। Hello all. Sit down please. So I am Malar. मैं इस सेमेस्टर में आप सबको सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन पढ़ाऊंगी। मैं बेसिकली कोडेकनाल से हूँ, तो अब तुम लोगों को खुद को इंट्रोड्यूस करना होगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज। मैं अश्वती हूँ, आलवा से। नाइस। यू? मैम मैं दीपा हूँ, त्रिशूर से। और तुम? मैं अंजलि, आलवा से। यू? वो क्या है? स्टैंड अप। तुम्हारे हाथ में क्या है? बोल कफ सिरप है, पेप्सी। मैम मेरे दोस्त ने दिया। उसी ने दिया था। नहीं कह सकता कोई नहीं। क्या तुम थे? बताओ कि ये हमारा नहीं है। तुम तीनों खड़े हो जाओ। वो पूछ रहे क्या तुम थे? यस मिस। अल्कोहल तो चलता है, ओके, पर मैं इसे अपनी क्लास में अलाउ नहीं करूंगी। सही फैसला। ऑलराइट, तुम चारों अभी क्लास के बाहर चले जाओ। लीव नाउ। मैम क्या मैं भी? हाँ तुम भी। ओके थैंक यू। सिर्फ सस्पेंशन नहीं, शायद टर्मिनेशन भी। टीचर 1 मिनट। ड्यूड, ड्यूड। क्या? यू नो, ऐसा मत सोचना कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ड्रंक हूँ। ए जॉर्ज, क्या कर रहा है? जस्ट अ मिनट। आप बहुत सुंदर हो। कोया शंभू इधर आओ, इसे लेकर जाओ। वेरी। ले जाओ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम कहाँ थे? सर मुझे आपको कुछ बताना है। देर हो रही है, जल्दी बोलो। प्लीज सोचो, मैं अपनी माँ को कैसे बताऊंगा? आप बताइए उनको। सर तुम्हें घबरा क्यों रहे हो, खुल के बताओ। छात्र आ रहा है, सिगरेट फेंक दो। थोड़ी बची थी। मिस्टर लॉन्पन पहुंच गए। क्या पसंद करेंगे? 3 4 3 बनाना रोस्ट। बिल्कुल नहीं, 3 नींबू पानी और 3 बनाना रोस्ट। सर मैं अपनी माँ से कैसे बताऊं कि मैं एक तमिल लड़की से प्रेम करता हूँ? कितना सुंदर नाम है। कौन सा? मलर। अरे इरादा क्या है बे? वो हमारी टीचर है। बट मुझे उससे पहली नजर वाला प्यार हो है? उसने आज ही ज्वाइन किया और तुझे आज ही उससे प्यार भी हो गया? उसके तुझे टीचर को प्रपोज करना होगा पहले। सर प्यार तो पल भर में हो जाता है। पहली नजर में ही प्यार हो गया? क्या मुझे पता था वो टीचर है? और अगर वो टीचर नहीं कलेक्टर होती तो आई डोंट केयर। इस कोर्स के बाद मैं स्विट्जरलैंड जॉब की तलाश करूंगा, मुझे मोटी रकम मिलेगी और फिर मेरा परिवार, मेरे पिता ओपन माइंडेड है, वो मान जाएंगे और मॉम वो भी मान सकती है। आप उनसे क्या कहोगे मुझे बताओ? बताओ ना। बताना पड़ेगा। हाँ सर। हाँ कुछ कहना चाहते हाँ। हो तो बताओ। आई लव यू। बाढ़ में जाओ। कोई दिक्कत है क्या? एक बच्चे के बाद सब सही हो जाएगा। बेहद घटिया है। ऐसा क्यों? हमने आज सुबह टीचर को देखा क्लास में, क्या उसने हमको बाहर निकाल दिया इतने कम समय में। हाउ आर यू? मैं ये सब किससे कह रहा हूँ? हमने सुबह टीचर को देखा और उसने हमें क्लास से बाहर निकाल दिया। इतने कम समय में तेरे दिमाग में सब चल गया। ये टीचर शब्द यूज नहीं करना चाहिए, थोड़ी दूरी सी लगती है। हम थोड़ा इनफॉर्मली वो वेट, वो इससे उम्र में तो पक्का ही बड़ी होगी। सचिन ने भी अपनी उम्र से बड़ी लड़की से शादी की, फर्क है। वहाँ सचिन था, यहाँ ये है। मैं भी यही बोल रहा हूँ। और उसके पिंपल्स भी हैं। हाँ तो उसमें क्या गलत है, सबके होते हैं पिंपल्स। ठीक है, पिंपल्स की बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई बड़ी इशू नहीं है। लेकिन एक बात और है। कौन सी बात? दूसरा देश, देश, जिला, मतलब डिफरेंट स्टेट। तो क्या हम सब भारतीय हैं? मुझे कुछ तमिल सीडी खरीदनी है। क्यों? जिससे मैं थोड़ी तमिल सीख सकूं। तुम सब कबाड़ा कर लोगे, क्लास चल रही है। ड्यूड सॉरी बोलो। मैं कभी नहीं भुगतना पेंटल एग्जाम में। जेरी सर और बाकी सब वो मिस भी सेम है। ब्रो इससे पहले कि हमारी शिकायत कर दे, वो हमेशा सॉरी बोलना चाहिए। सोचो प्रिंसिपल को ये बात पता चली तो 2 सस्पेंशन ऑलरेडी हो चुका है। तुम्हारे भी तो हुए हैं। तुम्हारे हमसे ज्यादा है। सॉरी बोलने पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उस पर, नहीं तो बस ये समझो कि हम बेवड़े स्टूडेंट्स माना जाएंगे। ये कौन है? एक काम करता हूँ, उसका नंबर पता करता हूँ और रात को कॉल करता हूँ। इम्पॉसिबल, ये सब काम नहीं करेगा। ऐसा सोचना भी मत। क्यों? इम्पॉसिबल। सर आप आइए। आइए सर, आइए सर, आप यहाँ आइए। सर इसकी जरूरत नहीं। सर आपको ये करना ही होगा। सर आप कर सकते हैं। सर कर सकते हैं। हाय। हाय। हेलो। हेलो। बोलो सर। मोबाइल नंबर प्लीज। हाँ 98941। 1 सेकंड प्लीज। ये सब क्या चल रहा है? बोलो बोलो। 07651। थैंक्स। स्टडी वेल। ओके तुम लोग क्लास में कैसे? वो हमारा एक डाउट था। सर गॉट इट। एक्चुअली आखिरी नंबर 6 था ना, मैंने गलत दिया था। एंड यू गाइज, तुम लोग मुझे कुछ बताना चाह रहे थे राइट? दैट्स एक्चुअली वी आर सॉरी। सॉरी प्लीज प्रिंसिपल से शिकायत मत करिएगा। सोच कर बताती हूँ। हाँ मैं सोचूंगी इस बारे में। लेट्स गो। चलो वो कमाल है। चल भी चलो चलो। जावा बहुत आसान है, पावरफुल भी, बहुत पावरफुल। सुनो सुरक्षित भी। जावा बहुत आसान है, तुम्हें समझ में आ रहा है अंजलि? समझ रही हो? नहीं तो मुझसे पूछना। ओके, ये मैं तुम सबको बता रहा हूँ, नहीं समझ आए तो पूछना। ओके। फिर आया रोबस्ट। रोबस्ट बनाना, इसका मतलब बनाना नहीं, रोबस्ट मतलब इसका वर्णन पेज पर लिखा है, टेक्स्ट बुक से रेफर करना। कुछ देर के बाद सर, गेट इन प्लीज। जल्दी क्लास स्टार्ट कर दी। जावा पढ़ा रहा था, बहुत आसान है, तुम आसानी से समझ लोगे। हम जावा की प्रॉपर्टीज देख रहे थे, सिंपल और पावरफुल है। समझ में आया? ये सेफ भी है। डर लगा? क्या हो रहा है? कल तुम नहीं देखी? मैं तो थी वहाँ। Really? हाँ, मैंने कल तुमको नहीं देखा था। मैंने देखा था। मावा। सर मावा नहीं, जावा। सॉरी जावा। अगला टॉपिक है इनहेरिटेंस। आपके टेक्स्ट बुक का 25वां पेज। टेक्स्ट बुक नहीं, उसमें एक बिल्ली बाहर झांक रही है और बाहर एक कुत्ता मांस खा रहा है। देखो, कुछ समझे? मुझे भी ठीक से समझ नहीं आया। अगला टॉपिक देखते हैं, ओवरराइटिंग। ओवरराइटिंग क्या है? लगता है सब्जेक्ट में कुछ नहीं पता। ओवरराइटिंग क्या है बताओ, कोई जवाब देगा? जॉर्ज, कोया, शंभू एंड सुरेश। प्रिंसिपल ने आपको बुलाया है। प्रिंसिपल सर ने हमें केबिन में बुलाया है। अगर तुम्हारा बेटा इधर गया तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। एक्सप्लोजन इंसिडेंट की बात पर मैं उसे डिसमिस करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने उसे 2 महीने सस्पेंशन सिर्फ तुम्हारे वादे पर नहीं किया। आखिरी दिन वो अपने फोन कैंटीन में भूल गया था, लोगों ने मुझे फोन लाकर दिया और उसमें वॉलपेपर लगा रखा था, दफा हो जा कुत्ते। मतलब तुम्हारे बेटे को संस्कार नहीं है। कुछ दिन पहले क्लास में शराब पी माला टीचर ने उसको बाहर निकाला, मगर टीचर ने ऐसा मुझे नहीं बताया। इसको लेकर आगे पकड़ होगी इसकी। इनफैक्ट मुझे तो इस बात का पता चला एक छात्रा की माँ से। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बेटी की क्लास में मेरे बेवड़े हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखो उसे, मैं यहाँ सीरियसली कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, वो हंस रहा है। व्हाट नॉनसेंस दिस? हंस रहे हो? आज के बाद जब भी तुम्हें दांत खाते देखूंगा। सुना तुमने? और वो ब्लास्ट वाला इंसिडेंट, इसमें मेरे बेटे का हाथ है ये साबित नहीं हुआ, राइट? तो उसको इसमें जबरदस्ती मत घसीटो, किसी और के मत्थे डाल दो। और आप उससे मोबाइल पर किसी कुत्ते बिल्ली का जिक्र कर रहे थे, ये तो डिक्शनरी में भी है। उन शब्दों में कोई अभद्रता नहीं है। हाँ, शराब पीना मुझे भी ये पसंद नहीं। तो बेटे, आज के बाद शराब पीकर क्लास में नहीं आओगे। और अगर घर या बाहर में पीना चाहते हो तो पियो। कैसे पीता है आप उन बेटे को शराबी बनाना चाहते हैं? हम नॉर्मल शराब पीने के बाद कोई झगड़ा नहीं करते, और मैंने ये सब इसे सिखा रखा है। और अगर तुमने मुझे कुत्ते बिल्ली की शिकायत के लिए फिर से यहाँ बुलाया, सोच लेना। मैं बता देता हूँ फिर तुमको, हम अपने बच्चों को इसके वजह से यहाँ बुला दें कि कुछ काफी लोग इन्हें सुधारेंगे। तो क्या इन्हें सुधारने का मौका नहीं मिलेगा? आज के बाद हिम्मत मत करना मुझे ऐसी छोटी बातों के लिए बिल्कुल भी तंग करने की, समझ गए? ऑसम मलर, प्लीज मिस्टर जॉर्ज का ख्याल रखना। हाँ, रहने दो जॉर्ज। चला क्या किसी ने दफा हो जा कुत्ते वाला वॉलपेपर लगाया? वो मैंने नहीं, बोल्ट ने लगाया था। ओह आई सी, मुझे लगा ही था कि तुम इतने चीप कैसे हो गए। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुम्हारे मूर्ख प्रिंसिपल ने शिकायत की तुम्हारी, इसलिए मैं उसको डांटा। दैट्स गुड। और वो आपका इंग्लिश डायलॉग, मजा ही आ गया। हाँ, सेकेंड वन इंट्रैक्शन है। चलो चलो चलो। नाउ दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। उसने नोटिस नहीं किया। आज मैं क्लास में अच्छे से ध्यान लगाऊंगा। मुझे सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में कौन बताएगा? प्लीज स्टैंड अप। कौन? तुम तीनों क्लास में कब आए? अब खुश हो? तुम 3 लास्ट बेंच वाले। शख्स, ये बेंच भी हमको नहीं बैठने दे रही। वेरी अनलकी बेंच। प्लीज गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। बनाना रोस्ट खाते हैं। 3 शिकंजी, 3 बनाना रोस्ट और 1 में एक्स्ट्रा चीनी। ओके तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। आप में से किसी को कोई डाउट है? तो स्टूडेंट्स, अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर दिया क्योंकि हम लेट आए थे, राइट? अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन। पहले आना चाहिए। आई होप आप डिफरेंशिएशन के बारे में जानते होंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा। मैडम, एक डाउट है। क्या कर रहे हो यार? अंदर जाओ, देखो। बकवास मत करो, क्लास चल रही है। क्या बकवास कर रहा है? भुगतना पड़ेगा। बी डिसेंट। नाउ साइलेंस प्लीज। क्या स्कूल के बच्चों की तरह है क्लास से बाहर निकल गए? यार तुम्हारा टीचर सुपर फिगर है। मदर, फादर, गुरु, भगवान एंड गॉड, इनमें से कुछ नहीं। Go. माता पिता गुरुदेव, तुमने इसके लिए उसे कूटा? ओह कम ऑन, स्टॉप ब्लशिंग। सी, इसी से मुझे नफरत है। तो व्हाट, देखो तो उसे। सो मेरी क्लास में टाइम से आया करो, ओके? ओके। अब तुम क्लास में जा सकते हो और तुम यहीं रहो। मैं? या यू, तुम जा सकते हो। हाँ। टू द क्लासेस। गलत दिशा में जा रहे हो। सर ऐसा क्यों? नोटोरिया जाओ। हाय हाय मलार मिस, कल मैंने आपको मैसेज किया था। मैंने बहुत प्रतीक्षा की, कोई मैसेज नहीं आया, इसलिए मैंने आपको कॉल बैक किया। किसी ओल्ड लेडी ने उठाया, मैंने फोन काट दिया, मैं डर गया। ओके, वो मेरी वार्डन थी, उसने मैसेज पढ़ लिया और कहा कि तुम पक्के फ्लर्ट हो। फ्लर्ट? फ्लर्ट मतलब? आप चालबाज। हाय माला, जॉर्ज कैसा है? ही इज गुड सर, बट थोड़ा लेट है क्लास में, मैं ध्यान रखूंगी उसका। मुझे इन लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। ग्रेट एफर्ट, लगा नहीं था कि तुम इतना सुधर जाओगे। थैंक यू सर। सर ये तारीफ है या टोन कस रहे हैं? तुमको क्या लगता है? लगा क्या ताने मार रहे हैं? जाता हूँ। अच्छा सुधार है। कैरी ऑन, हम जा रहे सर। थैंक यू सर। जॉर्ज, शाम को ग्राउंड पर मत आना, ओके? तो आपका नाम क्या है? मलर। मैं मुरली। ओह नाइस। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन कौन सी? मुझे का ड्यूड। क्या तुम देख पा रहे हो? చిన్న పావె కొంజి కొంజి వేసి తుల్లి చెల్లం ఎన్నయగే చిన్న చిన్న పావె కొంజి కొంజి వేసి తుల్లి చెల్లం ఎన్నయగే அவள் கண்ணங்கள் கண்ணிமைகள் சிரிப்பும் கலந்து தந்த போது என்ன ஓராயிரம் மின்னல்கள் என் மீது பாய்ந்து வந்ததென்ன ஓ ஏதோ காதல் என்னை செய்யும் பொழுதே மெய்யும் பொய்யும் ரெண்டும் ஒன்றாய் படுதே நெஞ்சுக்குள்ளே புது ராகம் போலே என்றென்றும் உன்னை காதல் செய்யவா சின்ன சின்ன பாவை கொஞ்சி கொஞ்சி பேசி துள்ளி செல்லும் என் அழகே சின்ன சின்ன பாவை கொஞ்சி கொஞ்சி பேசி துள்ளி செல்லும் என் அழகே ये उसने भेजा क्या? हाँ, I first messaged her and then she replied back. Naughty. கண்மணி அன்போடு காதலன் நான் எழுது கடிதமே अगर मैं निगली को कॉल करूं तो वो रिचार्ज कर पाएगा क्या भिंडी बजा रहे बताओ मॉर्निंग सर बैठ जाओ बैठो कुछ ऑर्डर नहीं किया हाँ हमने किया सुनो हाँ जो चाहो ऑर्डर कर लो मैं कुछ ऑर्डर करूं श्योर प्लीज कर लो 3 बीफ रोस्ट और 3 राइस केक्स एक राइस केक एक बनाना शिवन सर नहीं खाएंगे सर आप कुछ नहीं लेंगे एक बनाना सर के लिए एक बॉइल्ड बनाना बॉइल्ड पूरे दो मेरी माँ मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता देख रही है ओह रियली गुड पर मुझे मेरी स्वप्न सुंदरी मिल गई है वाओ फैंटास्टिक पर मैंने मिस को अभी दिल का हाल बताया नहीं है मिस मिस कौन सी मिस वो नई वाली वो नई तमिल टीचर सर आपके परिवार को कोई परेशानी नहीं इसके लिए पहले टीचर को बताएं उसके बाद घर की सोचेंगे ना एनफ राइट जॉर्ज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तुम मेरे बारे में सिर्फ अच्छी बात करो टीचर के सामने राइट सर जैसे विमल सर बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं विमल सर के पास रोकड़ा भी काफी है स्पोर्ट्स के बारे में भी और विमल सर अच्छे धावक हैं गजब के अच्छा गाते भी हैं इसकी जरूरत नहीं ये जरूरत नहीं है तो डांस के बारे में बताना कि मैं मिथुन की तरह नाचता हूँ हाँ ये सही रहेगा ये मैं बताऊंगा मैं आपके दौड़ने के बारे में बताऊंगा मैं कुछ भूल तो नहीं रहा बनाना हाँ बोलना विमल सर की तमिलनाडु में कई बीघा जमीन है सर कोडाई कनाल काफी होगा वो टीचर का होम टाउन भी है नहीं कोडाई कनाल नहीं त्रिची सेलम ऊटी हाँ ये सही रहेगा बहुत सुंदर जगह है कितने एकड़ जमीन बताना सही रहेगा करीब 2030 एकड़ सही रहेगा और बढ़ा दो वहाँ जमीन की कीमत कम है ऐसा क्या हाँ सर तो 50 एकड़ बोलते हैं नहीं 50 एकड़ बहुत कम है मजा नहीं आएगा 900 एकड़ बताना 900 एकड़ 900 तो कह रहा ही होगा रियली हाँ हम सब यही बोलेंगे और क्या बताएंगे 900 एकड़ में क्या उगाते हैं रबर ऊटी में कटहल ऊटी में रबर नहीं होता बढ़ भैया गाजर बताना कैसा रहेगा गाजर नहीं इलायची सही रहेगा इलायची के बागान ऊटी में गुड यहाँ पे नाशपाती हाँ नाशपाती नाशपाती वेरी गुड ऑसम 900 एकड़ में नाशपाती के बगान हम कर लेंगे राइट और एक तालाब भी बहुत बढ़िया मगरमच्छ 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 नहीं मावा ओ, सर के पास 900 एकड़ नाशपाती बगान है ऊटी में किसने कॉल किया मुझे बीफ अच्छा नहीं है किसने कॉल किया लेट्स गो क्लास नहीं जाओगे ये निपटा ले तब ज्वाइन करेंगे क्लास वैसे प्रॉब्लम नहीं ना भी आओ तो कोई परेशानी हो तो मेरा नाम लेना बस गॉड, कितना हैंडसम और स्मार्ट दिखता है, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त मैन, लगता है कि मंगेतर है। लेट मी गो, अपनी वाली को देखना है। हाय, मैं तुम्हें देख रही थी। ये मेरा कजन अरिवर्गन है, हम इसे अरिवू बुलाते हैं। ओके, ये शंभू है, ये कोया है, मेरे स्टूडेंट्स, और ये जॉर्ज। हाय। स्टूडेंट ओनली। ओके, हम लंच के लिए जा रहे थे, तुम लोग आना चाहते हो? हाँ, नाइस, कैंटीन पास में है, चिकन बिरयानी मिलेगी। मलयालम जानते हो? थोड़ी थोड़ी। आओ। हाँ जरूर। दादी सबको जल्दी लेकर आओ। हाँ ठीक है, आ देकर आओ जल्दी। ये तो धोखा हुआ, हमें शिल्पा को खोजना चाहिए। क्या आप चिकन बिरयानी शेयर करोगे तो मैं ऑर्डर करूं? ये शिल्पा कौन है? मैंने बताया नहीं था क्या? फोन पर कुछ भी हो सकता है, नंबर नोट करो। सर, उसका भाई भी हो सकता है, राइट? सर, क्या आप एक पॉस्पोर्ट फ्राई ऑर्डर करोगे? मतलब शेयर फ्राई। हेलो ब्रदर। हाँ, क्या चाहिए? एक शेयर फ्राई। देखो तो उसे, अच्छी बॉडी और भला के हैंडसम। सर पता है मेरी दिक्कत क्या है? जबरदस्त आचार। मेरे बाल नहीं है। सर ये अच्छा है कि आपके बाल नहीं है, आप ऐसे हैंडसम है। अगर आपके बाल होते तो आप ऐसे नहीं दिखते। ये लुक आपको सूट करता है। सर मैं क्या मोड़ना चाहता हूँ? क्यों ना मैं विग लगा लूं, जैसा फिल्म स्टार लगाते हैं। हा? सर अगर आप विग लगाएंगे तो वाहियात लगेंगे, केरली नीम चढ़ी जैसा लगेगा। इन सब की जरूरत नहीं, बहुत ही वाहियात लगेगा। सर पहले आप अपनी सेहत बनाइए, आपको उसके लुक्स को। मगर देखो सेहत सही है, पहले फिश खाते फिर तय करते। ठीक है, बढ़िया। वाह, ओह माय गॉड, चावल। क्या कहना है? शेर फ्राई आ गया मगर चावल नहीं। लेना मुझे ताना मारेगा चावल मांगे तो। सर आप बोलिए ना। लेनापन। यस सर, इसे और चावल चाहिए। साजी, शिवन सर को चावल दे। फिश फ्राई तुम लोग? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ और लोगे? तुम तमिल हो? लिबर्टी थिएटर जाते हो कोडम्बक्कम में? जानता हूँ, एक टी स्टॉल पर काम करता था, उसके सामने। ओ, मैं सोच रहा था तुम फर्राटे से तमिल कैसे बोल लेते हो। मैंने वहाँ लगभग 3 साल तक काम किया। ओ ओके ओके ओके। किस जगह से हो तुम? कोडाईकनाल से, मिस मलार के घर के पास। ओ, मलार मिस के दोस्त हो? नहीं, कजन। सर वो उसका प्रेमी हो सकता है। नो, भाई हो सकता है। उनके कान भी एक जैसे हैं। हाँ, दिखने में एक जैसे हैं, राइट? मावा जाने का समय हो गया। सर एक फूटी कौड़ी भी नहीं है पास में। आरिवाजगन, क्या मस्त लड़का मिला उसे, सच में बिल्कुल लड़का। अच्छी बॉडी और कातिल मुस्कान। अभी भी एक डाउट है। तुम कहां से लाते हो इतने सारे डाउट्स? हर बात में डाउट्स होते हैं, समझो या नहीं। और मैं गेम की बात कर रहा था, खुद को मूर्ख बना लिया। 10 रुपए तो नहीं है मेरे पास। वो अब तो निकल गया होगा। हाँ लगता तो है, मोस्ट प्रोबेबली वो यही रहेगा। ट्यूट क्या है, वही है? क्या डिनर बुला रही हो? नहीं, हम नहीं जाएंगे और ना तुम सब जा रहे हो, समझे? और क्या चल रहा है? बस डिनर लिया। ले लिया? क्या खाया? झूठ, हमने क्या खाया? वो पूछ रही है हमने क्या खाया। परोठा गोश्त। मैंने परोठा और गोश्त लिया। तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना मुझे ऐसे स्टूडेंट से मिलाते हुए, राइट? हाँ अमा कछुआ। हाँ, क्या मैं आपका स्टूडेंट हूँ? यस ऑफ कोर्स, तुम मेरे स्टूडेंट हो, राइट? नाराज मत हो प्लीज, वो खुद ही चला गया था उस टाइम। मैं अपने कपड़े धो रही थी, इस वजह से कॉल नहीं पिक कर पाई। सॉरी। कल कब आओगे? क्या तुम तो मेरे लिए मल्ली पुआ लाओगे? मल्ली पुआ, हरा धनिया, नहीं, चमेली के फूल। मैं हमेशा मंदिर में फूल रख कर आती हूँ। ओह, तुम्हारा मतलब है मुल्लापू। हाँ, क्यों नहीं, ला दूंगा। ओके, अब मैं कपड़े धोने जाती हूँ। ओके, गुड नाइट। या गुड नाइट। रामी, किसने कहा? तुमने बताया। सेम नंबर और सेम कलर होना चाहिए। शुरू में ही पूछा था। यही रुक जाना चाहिए। ये चमेली के फूल कहाँ मिलेंगे? मल्लीपू, ये मल्लीपुड़ी है। ओह सॉरी, मुझे चमेली के फूल कहाँ मिलेंगे? उसके लिए सुबह जाना होगा, जंक्शन में मिल जाएंगे। अकेले जाना होगा। ओके, हम में से कोई साथ नहीं जाएगा। चमेली के फूल कल सुबह जाना ठीक नहीं है। शंभू उठो, यहाँ आओ। क्या मैटर है? मेरे साथ आओ। तो मैं नहीं आ रहा। एक और बात, जाना तो अकेले जाना। तो तुम लोग नहीं आ रहे हो? अरे हम तीनों साथ गए तो पुलिस पकड़ लेगी ना। मैं नहीं आ रहा। यह नुस्खा तभी काम करेगा जब तुम एक अच्छे पढ़ाकू लड़के की तरह जाओ। ड्यूड, उसने इसको पहले दिन ही बाहर निकाल दिया था क्योंकि उसने दारू पी रखी थी। वो कैसे शरीफ रहेगा? जॉर्ज माइस्टू मेरा दोस्त। दिस इज मलर, सॉरी नंदिनी, मेरी रूममेट। जॉर्ज, तुम्हारा घर कहाँ है? बस पास में ही है। कौतुब में है क्या? अरे एक कॉल आ रहा है। कौन है ये शरारती? തെളിമാനം മഴവില്ലിൻ നിറമണിയും നേരം നിറമാർന്നൊരു കനവെന്നിൽ തെളിയുന്ന പോലെ പുഴയോരം തഴുകുന്നീ തണുനീറൻ കാറ്റും പുളകങ്ങൾ ഇഴനീതൊരു കുഴലൂതിയ പോലെ കുളിരേകും കനവെന്നിൽ കതിരാടിയ കാലം മനതാരിൽ മധുമാസം തളിരാടിയ നേരം അകമരുവും മയിലിണകൾ തുയിലുണരും കാലം എന്നകതാരിൽ അനുരാഗം പകരുന്ന യാമം അഴകേ അഴകിൽ തീർത്തൊരു ശിലയഴകേ മലരേ എന്നുയിരിൽ വിടരും പനിമലരേ മലരെ നിന്നെ കാണാതിരുന്ന മിഴിവേകിയ നിറമെല്ലാം മായുന്ന പോലെ അലിവോടെൻ നരികത്തിന്നണയാതിരുന്ന അഴകേകിയ കനവെല്ലാം അകലുന്ന പോലെ ഞാനെന്റെ ആത്മാവിനാഴത്തിനുള്ളിൽ അതിലോലമാരോരും അറിയാതെ സൂക്ഷിച്ച താളങ്ങൾ രാഗങ്ങൾ ഈണങ്ങളായി ഓരോരു വർണ്ണങ്ങളായി ഇടറുന്നൊരെന്റെ ഇടനെഞ്ചിനുള്ളിൽ പ്രണയത്തിൻ മഴയായി നീ പൊഴിയും നീ നാളിൽ തളരുന്നൊരെന്റെ തനുതോറും നിന്റെ അലതല്ലും പ്രണയത്താൽ ഉണരും മലരേ അഴകേ nice shirt. Not shirt, kurta hai. Kurta. Kerala sari, looking super. കുളിരേകും കനവെന്നിൽ കതിരാടിയ കാലം മനതാരിൽ മധുമാസം തളിരാടിയ നേരം അകമരുവും മയിലിണകൾ തുയിലുണരും കാലം എന്നകതാരിൽ അനുരാഗം പകരുന്ന യാമം അഴകേ അഴകിൽ തീർത്തൊരു ശിലയഴകേ മലരേ എന്നുയിരിൽ വിടരും പനിമലരേ हम पहले एक सिंपल स्टेप कर लेते हैं। प्लीज रिवाइंड। रेडी रेडी। चश्मा लगाने दो, रिवाइंड करो। चश्मा ना पहने तो स्टेप गलत हो जाते हैं और डांस के लिए मुझे अलग चश्मा चाहिए, बिल्कुल डिक्रू स्टाइल। प्ले। कम ऑन पोजीशन। अपर टो, ध्यान दो, डांस करो। ऐसे करो। 1 मिनट, फोन बज रहा है। हेलो, ऐसे क्या हाल है बताओ। ओ, डैड घर पर नहीं है। पहले नहीं बता सकती थी, तुमको डांस सिखाने घर आ जाता मैं। ये बंदा तुम्हें फोन पर डांस सिखा रहा है। कम ऑन, सिर्फ 3 लड़के, नो गर्ल्स। उसने एक लाइन भी नहीं पढ़ाई, फुल टाइम फोन पर ही। बाहर में जाए वो। मुझे उसकी कुटाई कर देनी चाहिए या मैं तुमको अवॉइड करता हूँ। ये नया डांस स्टेप देखो, ऑसम। बाहर में जाए वो। मज्जू आओ। मैं तुम्हें कल ही कॉल करने वाला था। क्या तुम अब भी नाराज हो? नाराज मत हो, जस्ट अ मिनट, मैं कॉल करता हूँ। तुम किचन में क्या कर रहे हो? कुकिंग? मैं शिया। मैं डिक्रूज, मेरा एक और नाम है ब्लैकी। क्या दिक्कत है? मुझे डांस टीचर कहाँ मिलेगा? मैं एक डांसर को जानता हूँ। कौन? डॉली। सुपर। अरे यहाँ से भाड़ जा, तुम्हारा डॉली। क्या वो मूर्ख है? एकदम जहर बुझी। जाओ यहाँ से। हेलो। क्या तुम बहुत बिजी हो? मलयालम। अगेन मलयालम। ओके, क्या चल रहा है? एक डांस टीचर की तलाश है। एक बंदा है मगर वो हमेशा फोन से चिपका रहता है। क्या मैं कर दूं कोरियोग्राफी? ये तुम जानती हो डांस करना? तुम्हें पता भी है ये सवाल तुम किससे कर रहे हो? हाँ, शायद नहीं जानते इस बारे में। मुझे डांस में स्टेट लेवल प्राइज भी मिले हैं। ओह आई सी। कौन सा डांस? वैसे कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम? नो, ब्रेक डांस। आई थिंक एक बार और रिवाइंड करना चाहिए। क्या तुम स्टेप थोड़े आसान कर सकती हो? हाँ, श्योर। ओके। देखो कितना आसान है। नो, नेवर। इसके बाद कुछ और दिखाता हूँ। इस तरह रखो अपना हाथ, ऐसे ऐसे ट्विस्ट करते हैं। पैर नहीं, बस हाथ। देखो जानते हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? आपको आसान स्टेप्स नहीं आते। लाइक दिस। सर मुझे नहीं आता सिंपल स्टेप्स। मैं आसान स्टेप्स से नहीं गुजर सकता। मुमकिन तो है पर मैं सिर्फ डिफिकल्ट स्टेप जानता हूँ। प्लीज देखिए सर, ये इतना आसान नहीं है, है ना? ये देखो क्या है ये? देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि सारे के सारे भाग रहे हैं। कम, लेट्स गो सर। बहुत मुश्किल। सडनली ये सब सच में मुश्किल है, मेरे लिए नहीं है। तो गाना गाऊं? ओ, मुझे भी लगता है कि बेहतर गाना या कुछ सुना देगा तो इस तरह हम अपनी हड्डी तोड़वा बैठेंगे। गाना ठीक होगा। हो गया, नहीं आएगा अब। कौन? मूसा। वो चला गया। वो गया कहाँ? पता नहीं, कौन जाने। क्या वो मैच के लिए नहीं आया था? नहीं। शक। आई डाउट जस्टिन। मुझे लगता है भैया इसके पीछे। ब्लडी हेल। अब हम क्या करेंगे? कैसे मिलेगा कोई और सब्स्टिट्यूट? मैंने कई बार कहा कि मेरी टी शर्ट पहनकर मत घुमा फिरा करो। ओह कम ऑन, ओह कम ऑन। कब धोया तुमने? मैंने। ये देखो उधर भी गई है। उतारो, उतारो से। ओके, मैं देता हूँ। तुम लोग हमेशा चिंदी बातों पे लड़ते रहते हो। ये मेरी नई शर्ट है और मैंने एक बार भी नहीं पहनी थी। अकेले मत निपटाओ, मुझे ही पीने दो। कोई आइडिया दो, हमारे पास एक बंदा कम है। मेरे पास एक आइडिया है, एक सब्स्टिट्यूट बाहर से ले आते हैं। बेवकूफ मत बनो, उन्हें पता नहीं होगा। प्रिंसिपल को जानते हो ना, उसे पता चल जाएगा। अब 10-15 लोगों में क्या ही पता चलेगा। उसे लगेगा कोई बंदा है जो हमेशा ही बंक मारता होगा, हमारी तरह। ये मिस मलर क्या कहेंगी? मलर क्या कहेंगी? उन्हें मैं मना लूंगा। तुमको लगता है मलर मेरी बात पर ध्यान नहीं देंगी? अच्छा करो, मान जाती। वैसे तुम्हारा इशारा किधर है? मैं चर्च में एक बंदे को जानता हूँ। वो जानता है अच्छा डांस करना भी और गाना गाना भी। मैं उसे कॉल क्यों नहीं करता? नाम क्या है? जोजो। हाँ, एकदम झकास गाना। मन करता है नाचने लगूं। हेलो, ये इतना दमदार नहीं है। नहीं, ये तो दमदार है। स्टेप्स दिखाऊं? हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है अपने स्टेप्स, तुम बस डांस करो। टीचर कौन है? डॉली? नो, मिस। मिस? वो कौन है? हमारी टीचर है, मलार मिस। ये कैसा प्रोग्राम है? कॉलेज आर्ट्स फेस्टिवल के लिए। ओ माय गॉड, मैं कॉलेज फोक डांस के लिए नहीं नाचूंगा। इस गाने को सुनने के बाद तुम्हें लगता है ये लोकगीत है? नहीं। देन व्हाट? मैंने कहा मैं फोक डांस में परफॉर्म नहीं कर सकता। कम ऑन। आशा ये सही रहेगा। कम ऑन, वार्म अप, तभी हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी। फ्लेक्सिबल। कम ऑन, कम ऑन, डांस स्टेप दिखाओ। Applause for that mind-blowing performance George की टीम की तरफ से। मस्त नाचा। कैसा था? मजा आ गया, अद्भुत, खतरनाक भाई, बड़ा मजेदार। अच्छा पहनो, शाम को बोलना नहीं भार्गवी पर, ओके? तो कैसा रहा हमारा प्रोग्राम? नहीं मेरा मतलब वो नहीं, मेरा पेमेंट। तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ? पेमेंट? हाँ, मैं पैसे ले नाचता हूँ। ₹1000 ना कर, मेरा पेमेंट। 1000? भाई हमारे पास बस इतने ही हो पाएंगे। चलो अभी तुम चाहो कैसे ना कैसे कल तक तुम्हारे पैसे दे दूँगा। आप पक्का अभी चाहो? बड़ा नहीं तो कल फिर आऊंगा, ठीक है? अपना चेहरा लूंगी से छुपा लो। अगर कल पैसे नहीं देता सोच लेना फिर। बहुत शानदार था, ऑसम, धुआंधार। तुम्हें पता है मैं भी सीटी बजाने वाली थी। துளைந்த இடம் அந்த இடத்தை துளைத்து விட்டேன். கொலுசில் அது துளைந்ததென காலடி தேடி வந்தேன். காதல் Come on fast. मेरा चश्मा कहाँ है? अरे उठा 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 उठाओ से। ओ एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। अरे वो मेरे इंतजार कर रहा है, मैं जाती हूँ। कॉलर, मिस यू, बाय बाय। ओया शंभू बाय, हम चलें? हाँ चलो। एक डाउट है, हमें प्यार कैसे होता है? बड़ी प्यार एक बहुत खास एहसास है, एन इंटेंसिव फीलिंग। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, मन में गुदगुदी सी होती है, जैसे कि मधुर संगीत। तुमने इलैया राजा के गाने सुने? कण्णन अन्बोड कादलन माँ। लवर कहाँ है भाई? अब ऊपर। किसके ऊपर? मेरे घर के ऊपर, रेंट के लिए। ओह गॉड, भगा के ले जाओ उसे। मूव योर लवर टू कोडाई कनाल और ऊटी, अदरवाइज लव समबडी इन ऊटी। सफर में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम फील करने लगते हैं और मेरी जिंदगी शुरू हुई। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर जाया जाए। तुमने समझोगे यही प्यार है। अब अगला गाना शंभू गाएगा। मलार को मैसेज। Size and behavior of values and variables. Each new class you create adds another type that can be used just like symbol. And तुम लोग समझ रहे हो, right? नहीं तो पूछना। Notice, guest lecturer मलार ने यहाँ अपना टीचिंग करियर समाप्त कर लिया है। उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो खतरे से बाहर हैं। वो अपने पेरेंट्स के पास हैं। प्लीज उसके जल्द स्वास्थ्य लाभ की दुआ करो। हाय हाय कोया, शंभू कैसे हो? ये हमारा फ्रेंड है आफताब। ओह हाय, हमने कल ही कॉलेज में बताया। मुझे नहीं लगता था तुम लोग आओगे। तुम लोग कितना मानते हो ना। वो स्पॉट है कि उसे कुछ याद नहीं है। उसने मुझसे भी पूछा कि मैं कौन हूं। उसका मेमोरी लॉस हो गया है। तुम लोग उसे देखने चलोगे तो अच्छा लगेगा। सॉरी, मैं यही क्यों बात कर रहा हूं। जस्ट कम इन, प्लीज कम इनसाइड। मलार, देखो कौन आया है। प्लीज कम इनसाइड। ये तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं। मैंने बताया था ना तुम केरला में टीचिंग कर रही थी। ओके। ये जॉर्ज है। हाय जॉर्ज। वो शंभू है। हाय। कोया और आफ्ताब, ये मलार की माँ है। तुम लोग बात करो, मैं आता हूं। माँ, बाहर से कुछ लाना है। चमेली के फूल। सॉरी, क्या नाम बताया तुमने अपना? जॉर्ज। ओह जॉर्ज, तुम कुछ कह रहे थे। कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? कोड़ी कनाल जा रहा हूं। क्यों? परिवजगन ने बुलाया, वो शादी करने वाले। तो उसने प्री वेडिंग रिसेप्शन पे बुलाया है। तुम्हें कोडाईकनाल नहीं जाना चाहिए। मगर मैं जाना चाहता हूँ। कितनी बार तो जा चुके हो। मैं जाऊंगा और बता दूंगा। क्या कहोगे तुम? कि हम दोनों प्यार में हैं। उसे तुम्हारा नाम तक याद नहीं है तो फिर बताने का मतलब क्या है? मैं वो सब नहीं जानता, लेकिन मुझे जाना होगा। मुझे लग ही रहा था कि तुम दोनों प्यार में हो, मगर बाकी दोनों के लिए तुम सिर्फ स्टूडेंट हो और ये तुम्हारे टीचर। मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। और किस तरह अपना प्यार साबित करोगे? मलार के सिवाय कौन जानता है इस अफेयर के बारे में? मैं प्रूफ क्यों करूंगा सबके सामने? तुम लोग मेरी जगह होते तो सिर्फ मजे मार रहे होते। अभी जो तुम प्रैक्टिकली क्यों नहीं सोचते? प्रैक्टिकल ज्ञान देना बहुत आसान होता है, मेरी जगह खुद को रख के देखो। ऐसा नहीं कि हम तुम्हारी पीड़ा नहीं समझते, साथ जाने में दिक्कत नहीं, पर वहाँ जाके क्या करें? जब तुम आ गए उसे तुम्हारा नाम तक याद नहीं था। अब क्या बच्चे की तरह रहोगे? बहुत हुआ। മലരേ നിന്നെ കാണാതിരുന്നാൽ മിഴിവേകിയ നിറമെല്ലാം മായുന്ന പോലെ അലിവോടെന്നരികത്തിന്നണയാതിരുന്നാൽ അഴകേകിയ കനവെല്ലാം അകലുന്ന പോലെ ഞാനെന്റെ ആത്മാവിനാഴത്തിനുള്ളിൽ അതിലോലമാരോരും അറിയാതെ സൂക്ഷിച്ച താളങ്ങൾ രാഗങ്ങൾ ഈണങ്ങളായി ഓരോരോ വർണ്ണങ്ങളായി ഇടറുന്നൊരെന്റെ ഇടനെഞ്ചിനുള്ളിൽ പ്രണയത്തിൻ മഴയായി നീ പൊഴിയുന്നീ നാളിൽ തളരുന്നൊരെന്റെ തനുതോറും നിന്റെ അലതല്ലും പ്രണയത്താൽ ഉണരും മലരേ. അഴകേ മലരേ എന്നുയിരിൽ വിടരും പനിമലരേ. और डोनट्स लगभग तैयार है। क्या तुम आज की सफाई निपटा लोगे? जी बिल्कुल। अभी डोनट्स के बाद केक का नंबर लगाना। ओके। जो अभी तक नहीं आया क्या? अभी नहीं, अभी महाराज को थोड़ा और समय लगेगा। तुम्हारे प्रपोजल का क्या हुआ? ओह, मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। काबले मत बनो, सही समय पर सब सही हो जाएगा। साफ किया तुमने? Did you clean it? हाँ सर। क्या ऐसे कायदे से रख सकते हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इन पौधों को पानी कौन देगा? आप जल्दी आ गए हैं काम पर। हाय, गुड मॉर्निंग। इतना लेट क्यों? मैं पूछ रहा हूँ इतना लेट क्यों? वो बस थोड़ा सा लेट हो गया। वही तो पूछ रहा हूँ, आखिर क्यों? वो फादर के डेथ एनिवर्सरी थी तो चर्च किया था। इसलिए तुम ईयर प्लग लगा के घूम रहे हो? तुमने शेव किया क्या? बड़े मस्त लग रहे हो। क्या तुमने मुझे कभी शेव नहीं देखा? नहीं, मतलब मैंने देखा, इस पर कह रहा हूँ, मस्त दिख रहे हो। क्या तुम इन प्लांट्स को पानी नहीं दे सकते हो? हाँ, मैं कई बार क्या तुमसे कह चुका हूँ। डैम इट। इसको क्या हुआ? मैंने सी ड्राइव में कॉपी कर दिया है। सी ड्राइव है। फटाफट जाओ और ड्रेस चेंज करो। प्रमोद, तुम आखिर किस लिए आए हो? मैं बस थोड़ा सा लेट हो गया और चीजें बिगड़ गई। புத்தன் காலம் புது புத்தன் லோகம் ஜெனரேஷன் தோறும் மாறும் புது லோகம் இது புத்தன் காலம் புது புத்தன் லோகம் ஜெனரேஷன் தோறும் மாறும் புது லோகம் ஈ லோகத்தில் தீரக்கேரியோடும் பொழுதும் திரிஞ்சம் நோக்கும் பொழுதும் சிரிக்கான் மனக்கல்லெறி மறக்கான் படிக்கும் பொழுதும் தரிக்கான் படிக்கும் பொழுதும் சிரிக்கான் மறக்கல்லெறி ये क्या है? ए, ए, रुको रुको रुको, क्या यहाँ वैलेट पार्किंग है? ये क्या है? जरा पकड़ना इसे, पकड़े रहना है सर। इस तरह के वाहनों के लिए हमारे पास कोई पार्किंग नहीं है। बॉस ने देखा तो जिंदा चबा जाएगा। मेरा घोड़ा कौन सा है? ये घोड़े पर कौन है? पकड़े रहना, मैं अभी आया। थोड़ा तो जल्दी आइए, कहीं इन सबके लिए पार्किंग नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? बेबी। बेबी जाना पहचाना लगता है। तुमने पहचाना? नहीं, ओ, वही जो गोपू और हमारे ब्रिज के पास घूमता रहता था। जी क्या बारिश हो रही है। ऐश्वर्या जाओ कैलिफोर्निया ऑर्डर लो। सारा सेटअप शानदार है। तुम्हारा नाम? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या तुम्हारी शादी हो गई? नहीं। क्या तुम पास में ही रहती हो? हाँ बस पास ही में। खाने में क्या है? यहाँ आपको चाय, कॉफी और केक्स मिल जाएंगे सर। स्वीट में पेस्ट्रीज और केक्स है सर। ओह, तो मेरे लिए एक मार्बल केक और एक कटिंग चाय लाओ। नहीं कटिंग तो नहीं है, बस रेगुलर चाय है विथ और विदाउट मसाला। और हाँ पॉटी में काफी सारी वेराइटीज हैं। पॉटी? पॉट टी सर। ऐश्वर्या तुम्हें वहाँ को बुला रहा है, मैं ऑर्डर लेके आता हूँ। पॉटी नहीं पॉट टी। तुम कौन हो? मैं काम करता हूँ। चाय बनाने वाली है ना? नहीं, मैं यहाँ मैनेजर हूँ। हाँ तुम्हारा चेहरा काफी कड़क लगता है। ऑर्डर बताइए सर। चिकन स्टू। हम यहाँ चिकन आइटम्स नहीं रखते सर। पहने तो कोट है लेकिन इसके नाम से चिढ़ हो रही है मुझे। तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते, अपने काम से काम रखो। ओके ओके ऑर्डर दीजिए। जाने मन बिल्कुल दूंगा। ये पीछे कौन मावाली है? वो हमारे रेगुलर कस्टमर है। सच में? जी। तो मेरे लिए एक बन और एक कप चाय लाओ। ये बन और चाय तो नहीं, ये सैंडविच कोल्ड कॉफी है। मुझे पता है, मैं बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। ठीक है लाओ। ओके क्या तुम ये सब नहीं धो सकते? ये बिल्कुल नहीं बदला, किसका हुआ एकदम। हेलो मुझे इस टेबल पर दे देना ऑर्डर। है यहाँ ऑलरेडी कोई है, मुझे इसी टेबल पर चाहिए। हेलो। हेलो। और अच्छी हो? सॉरी व्हाट हैपेंड? कौन हो तुम? हैं? कौन हो तुम? तुम कहाँ रहती हो? बॉम्बे। बॉम्बे? हाँ। हेलो मुझे उसी टेबल पर सर्व कर दो। इसलिए मुझे भारतीय लोग पसंद नहीं है, खासकर बॉम्बे के। वो कहाँ गए? क्या यहाँ सब नहीं करना है? हेलो एक केक चाहिए था। सॉरी दुकान बंद हो चुकी है। हमें एक सरप्राइज पार्टी देनी थी और इस समय और कोई दुकानें भी नहीं खुली हैं। असल में सफाई हो रही। कोई बात नहीं। कौन सा केक चाहिए तुम्हें? एक व्हाइट फॉरेस्ट 1 kg का। व्हाइट फॉरेस्ट, प्लीज कम। पानी पानी पानी, यहाँ नहीं। मुझे कुछ लिखना चाहिए। हाँ, हैप्पी बर्थडे अपू। नहीं, हैप्पी 25th बर्थडे अपू। ओके। कवर और पैकेट तैयार कर लो, जल्दी। ये कौन है अप्पू? अप्पू मेरा भाई है। ओह गॉड, सब गड़बड़ हो गया। शिक्स, मैं सिर्फ तो लिख सकता था। सॉरी। दूसरा केक लो। गलती मत करना, ये आखिरी केक है। आपके बारे एकदम परफेक्ट होगा। नहीं होगा? सही है ना? हाँ, एकदम सही है। थैंक यू। कितना हुआ? 450 रुपए। बैलेंस। थैंक यू। कैंडल्स और नाइफ अंदर रख दिए। मेरी तरफ से अपने भाई को बर्थडे की बधाई देना। मेरी तरफ से भी बिल्कुल कह दूंगी। ओके, ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। पानी पानी, बाय। गुड नाइट। अच्छी लड़की है ना? क्या प्रपोज करने का इरादा है? नहीं नहीं, ये सब काम नहीं करेगा। वो किसी बड़े घर के लगती है और मैं यहाँ बस एक स्टाफ हूँ। अरे हटा। क्या उसे प्रपोज कर सकते बॉस? जा जा, कर सफाई कर। मैं समझ सकता हूँ। जब मैंने अभी तुम्हें बॉस बुलाया, तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। हेलो। हाँ, हेलो जॉर्ज। हाँ, मैं हूँ बड़ी। मैं कौन? तुम पहचानते नहीं मुझे? अगर सिर्फ मैं करोगे तो कैसे जान पाऊंगा? नाम बताओ अपना। बड़ी, मैं जस्टिन। जस्टी? हाँ हाँ, तेरा यार। हाँ जस्टी, बता। ब्रो, मेरी शादी तय हो गई है, तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। ओह, तेरी शादी तय हो गई। तेरी दुल्हन कौन बनेगी? दुल्हन? तुमको वो मेरे बैच वाली लड़की याद है, क्रिस्टी? क्रिस्टी? रिश्ते नहीं, उसके रिश्तेदार। उसके रिश्तेदार है। रिश्तेदार मतलब? मतलब उसके अंकल की। समझ गया। शंभूर को है कैसे? ठीक है। उनके व्हाट्सएप नंबर भेजना जरा। हाँ हाँ, जरूर। और शंभू का वो गाना, वो बदम। हाँ, ये पिस्ता वाला गाना है। हाँ, पिस्ता गाना, ये बहुत आकर्षक है। उससे कहना कि ये गाना मेरे रिसेप्शन पर गाएं। श्योर, उसे कॉल करने की कोशिश करना। क्या तुम हमारे कॉलेज के कमाल के दिन थे यार। Of course. कितने बढ़िया तुम्हारे गाने ना, स्पेशली वो तमिल गाना। अपने मलार मिस कहाँ है? रियली यार, बहुत याद आते हैं वो दिन, है ना? और मुझे भी बहुत लोग इन्वाइट करना रह गया है, तो एक काम करो कि उनके व्हाट्सएप नंबर भेज देना जरूर, ठीक है? अगले शनिवार बैचलर्स पार्टी है, बहुत धमाल करेंगे। ओके, बाय। कहाँ जा रही हो? हेलो, पीला चूड़ीदार अनारकली कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता। हरा कैसा रहेगा? हरा? हेलो, मुझे पहचाना? ओह हाय, तुम उस दिन कैफे में आए थे ना, वो क्वेश्चन मार्क वाला एपिसोड? हाँ, वो बहुत मजेदार था, लेकिन लेकिन वो बात नहीं है। हमारे बीच में एक पुराना कनेक्शन भी है। हाँ, कैसा पुराना कनेक्शन? तुम्हें मैरी याद है? कौन मैरी? मैरी जॉर्ज। हाँ, मैंने देखा था उसे, हल्का फुल्का जानता हूँ उसको। हाँ, मुझे याद है आप मैरी दीदी के पीछे कैसे पड़े थे। मैं बस अभी आया, तब तक थोड़ा और याद करता। आपने कभी मुझे मैरी दीदी के साथ नहीं देखा? ओह, हमने पहले भी बात की है। ऐसा क्या? मैं सेलिन हूँ। ओह, सेलिन। मैरी दीदी, हमने जिसे चर्च में देखा था वो वाला लड़का। व्हाट्स योर नेम? मम्मी ने बोला अजनबियों को अपना नाम नहीं बताती, लेकिन मैं बता देती हूँ, मेरा नाम सेलिन है। सेलिन, अच्छा है। तुम स्टेट सिलेबस से हो या सीबीएसई? वो सब मुझे नहीं पता। क्या ये दोनों शादी कर लेंगे? तो उस दिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा शायद पहचान लोगे, पर उस दिन मैं जल्दी में थी। गुड। सब ठीक है? हाँ, अब मैं क्या करूँ? मैंने अपनी पढ़ाई फिनिश कर ली है, अब मैं डिजाइनिंग कर रही हूँ। ओके, आई सी। मगर ये तो मेंस वेयर है, तुम अपने लिए यहाँ से कपड़े खरीदते हो? मैं अपनी कजिन के लिए एक शर्ट लेने आई थी। ओके। दो पसंद करी है, पर एक छोटी सी कंफ्यूजन है, तुम मदद करोगे? हाँ, ठीक है। तुम्हारा भाई लंबा चौड़ा है? नहीं नहीं, वो एकदम पतला सा है। जस्टी। हाँ, तुम्हारा ये लव थी या अरेंज मैरिज? क्या तुम जानते नहीं थे कि लव मैरिज थी? क्या कहा तुमने? मतलब प्यार सब जगह है, प्यार में बहुत शक्ति है। तुम्हारी लड़की का नाम क्या है? उसका नाम है इवानिया। उनानी? इस तरह कोई ट्रीटमेंट भी होता है? उनानी नहीं, इवानिया। इवानिया, इवानिया, इवानिया डियर, तुम्हारा नाम मुश्किल से मिलेगा। उस बार बात करते हुए याद आया, मैंने एक बार कहा था कि कॉल करूंगा उसे। उसे कॉल करता हूँ फिर। ओह, प्यार भरी बात है। ये बता, ये प्रेम के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? प्यार के बारे में मेरी बहुत अच्छी राय है। अच्छी राय? ऐसा क्या? पपी लव? पपी लव बोले तो? तुमने भी तो नायर लड़की से प्यार शादी किया, तुम्हें नहीं लगता ये पपी लव था तब? एक मिनट, अब तुम प्यार के बारे में क्यों बातें कर रहे हो? हाँ, जरा इसकी मुस्कान तो देखो, क्या मामला है? कम ऑन, बताओ। तुम लोगों को मेरी याद है? मेरी? कौन मेरी? 12th ग्रेड वाली मेरी। 12वीं वाली मेरी। हाँ, वो शादीशुदा है, यूएस में, और 2 बच्चों की माँ है। उसका जिक्र क्यों? मैं कोई उल्टा सीधा पैर अलाव नहीं करूंगा। तुम लोगों को ये दोनों मैरी के साथ एक बच्चा आता था, तुमको याद है? सलीम। ए, ए, ये क्या है? वो एक कॉकरोच था। कॉकरोच पानी में? हाँ। हेलो उनानी। यूनानी? अब ये कौन? उनानी हिमानिया ब्रो, कितनी बार बताना पड़ेगा? बताओ। क्या तुमने पी रखी है जॉस्टिन? सच सच बताओ, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम नहीं पियोगे। अब वो 22 साल की हो चुकी है। 22 साल? 8 साल हो भी तो गए है ना, तो क्या हुआ? फहद और नजरिया में 12 साल का फर्क है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये सही नहीं है। और वो सही नहीं तो ये भी सही नहीं। नो टू बैड। वो बुरा तो ये भी बुरा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे यार, देखो देखो देखो, प्यार होगा तब पता चलेगा। तुमने कहा देखा उसे? वो एक दिन कैफे में आई थी, जिस पर उसको देखा एक झटका सा लगा था। अरे जाने में दो यार, उससे कैफे आना, पे केस का लेन देन, बंद करो बकवास। अब तुम्हारे पास नौकरी है, उसे घर जाके प्रपोज करो, पुराना स्टाइल छोड़ दो। पेरेंट्स से सुलझाओ। पेरेंट डील कर लेंगे। मुझे जाके बोलना चाहिए क्या? बिल्कुल, मगर पेरेंट्स को भी साथ में ले जाना। और उससे भी पहले क्या मुझे खुद उसे नहीं बताना चाहिए? कैसा रहे कि मैं पहले ही उसे जाकर बता दूं तो? बिंदास होकर जाओ, इस लफंगे को साथ मत ले जाना। जब भी जाना अकेले ही जाना। अभी तक तुम मुझे अकेले जाने से मना कर रहे थे, अब ये बदलाव क्यों? अरे पहले तुम एक बड़ी बोरिंग इंसान थे और अब तुम बदल गए हो, अब तुम बहुत औसम हो गए हो यार। चश्मा गए जैसे कि किसी और ने मुझे जाने से मना किया है। आप क्या लेना पसंद करेंगे? बनाना रोस्ट, यहाँ वो नहीं मिलेगा। ब्लैक टी? एक मिनट, एक ब्लैक टी और कोई भी केक। ओके, उस प्रपोजल का क्या हुआ जिसके लिए तुम गए थे? वो तो बस ऐसे ही। हेलो, हाँ पहले किस दो फिर बाकी की बात करो। अभी लोग हैं यहाँ, मैं कैफे अगापे में हूँ। तो आओगे ना 6 बजे? लड़की तो बीटेक चाहती है। अभी बीटेक कहाँ से लाऊं? बीटेक सुपर मार्केट में। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे कोर्स के लिए। अब तुम 10वीं पास करके ऐसे बुद्धू सवाल पूछ रहे हो। आवाज नीचे रखो प्लीज, कस्टमर्स पड़ रहे हैं। ओके थैंक यू। आवाज धीरे, ये कोई मार्केट नहीं है। मैंने बोला था मैं बीटेक तो कर लूं मगर एक दिक्कत है। फिर +2 कैसे मिलेगा? अरे तुम्हें 12th ग्रेड पास किया है क्या? नहीं, मेरा मतलब है क्योंकि मेरे पिता नारियल के पेड़ से। क्या मैं ऐसे बंदे के अच्छा मैच देखूं? हाँ पहले डिग्री लो फिर बात करो। पहले बीटेक लो उसके बाद ये आपका मार्केट। नहीं, वापस चलो, पहले डिग्री लो। मजा है क्या ये? जल्दी दो ना, बाद में मैसेज करता हूँ। बाय। हेलो। हे, तुम यही थे, मैं तुम्हें देख ही रही थी। मैं केक बना रहा था। अरे वाह, केक वगैरह बना लेते हो? मैं ये कैफे चला रहा हूँ ना। क्या तुम अकेली हो? हाँ वो। उस दिन केक कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा केक था। बैठो ना अगर बिजी ना हो तो। या तुम सही टाइम पर आए। ये टेबल साफ कर लो। कुछ और लोगे? थोड़ा रेड वेलवेट केक ले आओ। कौन सा जो आपने बनाया था? बॉस। मुझे बॉस मत बुलाओ। तो मुझे भी खिलाओ थोड़ा। एक पीस बेबी को भी देना। अरे वाह क्या बात है, इतना अच्छा केक है क्या? थोड़ा इंतजार करो। तुम्हारे डैड कैसे हैं? अच्छे हैं। मेलवेट भारत की नंबर 1 सट्टा खेलने वाली कंपनी। बहुत सारे प्रकार के अलग अलग खेल, आसानी से इस्तेमाल होने वाली मोबाइल ऐप, बहुत ही आसान और तेजी से पैसा जमा और निकालने के तरीके, सबसे ज्यादा भाव देने वाली कंपनी, 100% सुरक्षित और ढेर सारे इनाम। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्तेमाल करें प्रोमो कोड फिल्म और पाएं 10,000 रुपीज तक का बोनस। कड़ी मेहनत करें और आज ही मेलवेट के साथ बड़ी जीत हासिल करें। अरे वाह अच्छा लगा। शादी हो गई है? मैं नहीं तो। क्यों पूछा? मतलब जिससे भी शादी करोगे उसे केक तो बढ़िया मिल जाएगा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूं तो? क्या? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूं तो? अगले रविवार मेरी एंगेजमेंट है। आपको तो मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। आपका केक रेडी है। पेन है क्या? तन्ना खुशी खुशी नाच रही है ना। इसे बॉस ने बनाया है क्या? निकाल लो फिर बोलो। बॉस में क्या स्वादिष्ट, एकदम ज्यादा नहीं बचा, ये आखिरी हिस्सा था। इसमें क्या है? ना कुछ नहीं। वो कहाँ है? वो वहाँ झील के पीछे। लगता है उसका मूड खराब है। क्या हुआ? सलीन आ गई है। वो खुशी खुशी बात कर रहे हैं। उसके बाद जाने क्या हुआ? वो गुस्से में बाहर निकल गया। उस लड़की ने खत पिए। क्या? उसके कवर में क्या था? देखता हूँ। और कवर के अंदर क्या? एक लिफाफा उसके अंदर। क्या लिखा है उसमें? मतलब मैं बाद में बताऊंगा। तुम उसे दे सकते थे, है ना? कोई थोड़ा दिमाग लगाएगा क्या इसमें? इतने सालों से यही काम कर रहे हो तुम। उस लेटर के बारे में मत बताना। नहीं बताऊंगा। हे जॉर्ज, बॉस बॉस सुसाइड मत करना। नीचे आइए। ऊपर चढ़े ही क्यों? पकड़ो मुझे। बहुत पीली है। पकड़ो से। ये क्या है? एब्सेंट। एब्सेंट मतलब? 68% अल्कोहल। और ग्लास का है? नाइस बॉटल। सुन, गिलास फ्लास ले आओ। क्या आइटम लिया सारे? जल्दी। मैं आज बहुत पीऊंगा और पतंग की तरह उड़ने लगूंगा। संभाल के, टूट जाएगा। तो लगता है उसकी शादी फिक्स हो गई है। एक ग्लास लेकर आओ जल्दी। शंभू गाना गाओ। गाना? കായലരികത്ത് വലയെറിഞ്ഞപ്പോൾ വളകിലുക്കിയ സുന്ദരി പെണ്ണുകെട്ടിയ സുന്ദരി പെണ്ണുകെട്ടി नहीं नहीं कोई और गाना। सन मेरे पास एक गाना है जो मैंने ही लिखा है। मैंने ही लिखा है और कंपोज भी किया है। सुनना चाहते हो? तुम तीनों सुनो। അവള് വേണ്ട, ഇവള് വേണ്ട, ഈ കാണുന്ന വെള്മാരൊന്നും വേണ്ട, ലവ് വേണ്ട, നമുക്ക് വേണ്ട, ഇവിടെ അല്ലേലും സീമൊത്തം കോണ്ട. ശാന്ത അവള് വേണ്ട, ഇവള് വേണ്ട, ഈ കാണുന്ന വെള്മാരൊന്നും വേണ്ട, ലവ് വേണ്ട, നമുക്ക് വേണ്ട, ഇവിടെ അല്ലേലും സീമൊത്തം കോണ്ട. മുട്ടിമുട്ടി നടക്കാൻ, തൊട്ടുരുമിയിരിക്കാൻ, 24/7 ഫുൾ ഡേറ്റിംഗ് കളിക്കാൻ, കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി പുറകെ നടന്നിട്ടും വല വീശി എറിഞ്ഞിട്ടും നോ റിപ്ലൈ. വെച്ചതല്ല പോലും സഹിക്കാത്ത കോസ്റ്റ്യൂംസ് വലിച്ചു കയറ്റി ഒലിപ്പിച്ച് നടന്നിട്ടും നോ റിപ്ലൈ. വേണ്ട, ലവ് വേണ്ട, ഇവിടെ അല്ലേലും സീമൊത്തം കോണ്ട. ब्लैक कॉफी मिलेगी? ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी। 200 चाहिए। ब्लैक कॉफी। ണമിറക്കി അവധിക്കാരും വാങ്ങി കൂട്ടുകാരെ സോപ്പിട്ട് ബൈക്കൊരെണ്ണം വാങ്ങി. നോ റിപ്ലൈ, സ്റ്റിൽ നോ റിപ്ലൈ. അവിടെ വീട്ടുകാരെ ഓടിച്ചിട്ട് നാട്ടുകാരെ കണ്ടതായി. സിനിമസ് വർക്കൗട്ടായി, പെണ്ണ് വലയിലായി, ചെക്കൻ പുലിയുമായി, ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഔട്ടായി, ഡെയിലി ടേക്ക് ഔട്ടായി. പിന്നെ 4 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹലോ कैफे। हेलो, मैं बोल रही हूँ सेलिन। आज मेरी सगाई है। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, मतलब करूँ कि नहीं करूँ। मैं हाँ कह दूँ या ना कह दूँ? प्रार्थना करो कि मैं मजबूत फैसला करूँ। कौन है? कौन है? मैं जोजो। फोन रखो बेवकूफ। बच्चों को समझाने का फायदा नहीं आजकल। मुझे ये सब क्यों बता रही हो? सॉरी, सच में आई एम सॉरी। मुझे और किसी लड़की से बात नहीं करनी। അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അത് സീനാകുമെന്നും അവൻ ചിന്തിച്ചില്ല. വെച്ച കാല പുറകോട്ട് വെക്കത്തില്ല, വെച്ച കാലിന്റെ കെട്ടിപ്പോഴും അഴിച്ചിട്ടില്ല. അവന്റെ ചേട്ടന്മാര് വന്ന് രണ്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടും അവന്റെ കാല് രണ്ട് പ്ലാസ്റ്ററിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടും പെണ്ണ് വറ്റിച്ചിട്ടും കീറി ഒട്ടിച്ചിട്ടും പിന്നെ കൂട്ടുകാര് വട്ടം കൂടി പുച്ഛിച്ചിട്ടും തൊര കുടിപ്പിച്ചിട്ടും നേരം വെളുപ്പിച്ചിട്ടും 10 പൈസയുടെ വെളി പോലും അവന് വന്നിട്ടില്ല. कितनी बार तुझे बटन दबाना पड़ेगा? क्या तू मलयाली नहीं समझता? आगे मोतम टोटल सीन कोंड्रा चलो चले। ये कौन है बड़ी? ये सेलिन है जो मैरी के साथ थी। ये सेलिन है? यही बात मैं तुमको कई दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ये सेलिन। तो ये सेलिन है। एकदम सही रखो, 2 दिन से घर नहीं गया। പച്ചക്കറിക്കായ തട്ടിൽ ഒരു പൊട്ടറ്റോ മുത്തശ്ശി ചൊല്ലി, കുഞ്ഞോളെ കൂമ്പാളി കുഞ്ഞോളെ. ऐसा नहीं है। देखो ये मेरे साथ भी हो चुका है। प्रमोद क्या चिल्लाओ? ये हाइट सही है? बेबी चटा ये थोड़ी जल्दी रख दिया क्या है? क्या दिक्कत है? कैसे क्रिश्चियन हो तुम? 12 बजे ही रखा जाता है इनको। मैं 12 बजे यहीं रहूंगा, सोने चला जाऊंगा। रियली? ओके। हाँ ठीक है, मजा आएगा बहुत, हैविंग वाइन और पटाखे भी। ओके ये माँ को देना। हैप्पी क्रिसमस। जल्दी आओ नहीं तो मैं सब खा जाऊंगा। एक क्रिसमस केक चाहिए। कौन सा? रेड वेलवेट। 1 पाउंड काफी रहेगा? हाँ। रेक्टेंगल? रेक्टेंगल नहीं है, सिर्फ राउंड ही मिलेगा। हाँ ये सही रहेगा। कुछ लिखवाएंगे उस पर? नहीं। हस्बैंड कैसे हैं आपके? कौन सा हस्बैंड? आप बता रही थी ना अपनी शादी के बारे में। मैंने आपको एंगेजमेंट वाले दिन कॉल किया था ना, उसके बाद फिर कंफ्यूजन हो गई, क्या फैसला लूं ये सोचकर दिमाग खराब हो गया, फिर हाँ बोल दिया। ओ। और फिर रिसेप्शन में एक कांड हो गया। क्या हुआ? मेकअप कहाँ किया? ट्रीसा आंटी ने किया। तुम बॉम्बे गई हो? हाँ। वहाँ रेड लाइट एरिया है, तुम वैसा ही लग रही हो। मेरे परिवार और दोस्तों के सामने तुम्हारा रूप भयानक था। कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें बर्दाश्त करूंगा? हाय सेलिन। हाय रूनी, मैं सेलिन का दोस्त। हाय। मेरा नाम नेल्सन है। भाई एक फोटो प्लीज। हाँ बिल्कुल प्लीज, इधर देखिए। नहीं हो सकता। मुस्कुराओगे तुम जरा? एक अच्छा सा पोज जरूर। ब्रो कहा रहा वैसा नहीं होगा। ऐसे में फिर शादी नहीं की मैंने। फिर वो नाक से सूंघने वाला एक पाउडर होता है ना तम्बाकू वो नहीं, वो जो अंग्रेजी फिल्मों में दिखाते हैं। ओह चार्ली? हाँ कोकीन। वही। उसे लेने के बाद लगता है आसपास सब कुछ बदल जाता है। फिर सारी बेमतलब की बातें करते रहते हैं। अभी भी कॉल करता है वो। तुम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अवॉइड करने से कोई फायदा नहीं है। कॉल कर कर बस अपना ही राग लापता है। और फोन नहीं उठाओ तो 40 मिस्ड कॉल। पापा ने कहा था कि पुलिस कंप्लेंट करते हैं, पर पुलिस क्या कर लेगी। उसकी अच्छी सुताई होनी चाहिए। ये देखो फिर कॉल आ गया। उठा लूं? उठा लो। हेलो हेलो, सेलिना को फोन दो। मेरा नाम जॉर्ज है। जॉर्ज, तुम कौन? मैं सलीम का। तुम्हारी शादी टूट गई ना, राइट? तो अभी यहाँ क्यों कॉल करता है? कौन होते हो पूछने वाले? मैं उसका पिता हूं। फोन तो उसे, यू क्रीप। मैं कहता हूं फोन उसे दे। संगीनकत्तु तालम अडिक्कण तकिट तकिट मेलम अडिक्कण कय्युम कालम बेर बेरक्कण पेट पेटक्कण तुटी तुटिक्कण वेरिवेरल पेरुत्त कयरान वेलिच्चपाडुपोल उरഞ്ഞുതുള്ളാണ് बाद में कॉल करता हूँ। बाय। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? मैं एक बात बोल रही हूँ। ये सब ठीक है, पर आओ भगत अच्छे से होनी चाहिए बारातियों की, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। புத்தன் காலம் புது புத்தன் லோகம் ஜெனரேஷன் தோறும் மாறும் புது லோகம் இது புத்தன் காலம் புது புத்தன் லோகம் ஜெனரேஷன் தோறும் மாறும் புது லோகம் मुझे एक शक था लंबे समय से। तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? पेट्रोल के दाम बढ़ाएगा है? मैं बॉब मार्ली का टी शर्ट पहनूंगा तो तुम मुझे अरेस्ट करोगे? हाँ? रोड तो भरी है सिर्फ गड्ढों और ट्रैफिक से। मुझे मत मारो मुझे प्लीज। बस करो, मत मारो मुझे। लगता है कोई गलतफहमी हुई है। आपका नाम? मेरा नाम रोनी। रोनी वर्गीस। वर्गीसा। आई एम सॉरी। सॉरी मुझसे चूक हो गई। सॉरी। हाँ मुझे भी यही लगा था। सॉरी मुझसे चूक हो गई। कैसे कनेक्ट करो पेट्रोल से? सब बेकार है। हैप्पी क्रिसमस। कोई गलती मत करना, हम दोस्त हैं ब्रदर, राइट? सॉरी ब्रो। हैप्पी क्रिसमस। बॉस क्या हमारे साथ मिस्टेक थी? हेलो, मुझे जाने क्यों नहीं देते? I'm gonna go to the bathroom. मलर है। उसे किसने बुलाया? मैंने। किसने बताया? सलीम। बॉस ने तुम्हें बताया ये सब? नहीं। उसे क्या नहीं बता सकती थी? किस लिए? वो खुश है अब। मुझे पहले से पता था वो एक दिन शादी कर लेगा। और तुमने ये सालों तक नहीं कहा। तुम क्या अपना मन बदल रहे हो? याद है वो चिट्ठी जो उसके जोजो का हाथ भेजा था? पिछले पेपर लिखा हुआ। हाँ। बड़ी मैंने पढ़ा था वो। उफ, बिल्कुल गलत है उसकी राइटिंग। हाँ। की तरह। ओ ऐसी, फिर ये बिल्कुल परफेक्ट मैच है। पता नहीं उनके बच्चे कैसे होंगे। कुछ नहीं। कितनी शरारती मुस्कान है। ईश्वर ने फूलों फल बनाए तो तितलियां भी बनाई। तुम्हारे लिए फूल बदल सकते थे जगह, उनके तितलियों को बख्शा प्यार का जज्बा। बटरफ्लाईज मेंडली मेंडल, सो इज लव। ने कहा है कि अपना नाम कभी अजनबियों को मत बताना, लेकिन मैं बता देती हूँ, मेरा नाम सेलिन है। सेलिन, गुड। तुम स्टेट सिलेबस में हो या सीबीएसई? मुझे क्या पता। ये दोनों शादी कर लेंगे क्या? हाँ, बस ईश्वर जानता है। पता नहीं मेरी शादी किससे होगी। क्या मेरी शादी तुमसे होगी? आपको तो मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। Really? हाँ। तुमको आइसक्रीम पसंद है? हाँ, पसंद आया। हाँ, क्यों नहीं? छत जैसे उसके बाल। Get lost, you marry.